स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगनेट ब्रेन कैसे हैं आप सब आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे नेहा मैम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैगनेट की फ्रॉम किंट गार्डन टिल क्लास फाइव एंड वी ऑल आर ह्योर टू हेल्प यू आउट इन योर स्टडीज आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर्स की वीडियो देखिए और अपनी स्टडीज को और स्ट्रॉन्ग बनाइए राइट स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट टीचर्स नाउ स्टूडेंट हमने अपना क्लास वन का मैथ स्टार्ट करा है इसके पहले वाली वीडियो में मैम ने आपको पूरा ओवरव्यू व्यू भी दिया था कि हम अपने क्लास वन के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर एंड व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट शेप्स एंड स्पेस राइट शेप्स शेप्स के बारे हम बार में हम बाद में पढ़ेंगे फर्स्ट वी स्टडी अबाउट स्पेस वॉट इज स्पेस स्टूडेंट स्पेस क्या होता है द मीनिंग ऑफ स्पेस इज जगह कोई भी जगह अंदर नीचे कुछ भी आप खड़े हैं डेट इज ऑल्सो स्पेस ओके स्टूडेंट तो हम अपने स्पेस का टॉपिक पढ़ेंगे इन साइड एंड आउट साइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन साइड देखिए बोल के देखिए इन साइड आपको जैसे ही आप प्रनाउंस करेंगे आपको समझ में आएगा इन साइड अंदर एंड वॉट इज आउट साइड आउट साइड बाहर इन साइड आउट साइड है ना इन आउट अंदर बाहर सो आर फर्स्ट टॉपिक इज

द पोजिशन ऑफ द कैट हियर नाउ द कैट इज आउटसाइड द बॉक्स अब कैट कहाइड बाहर ओके सो आपको कैट की पोजिशन देख के समझ में आया शी इज सिटिंग बॉक्स एंड नाउ शी इज आउटसाइड द बॉक्स अंडरस्ट सो दिस इज इन साइड एंड आउटसाइड ना स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने के लिए let's learn a story. Okay? आप बुक्स में ये स्टोरी भी दी गई है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए राइट स्टूडेंट सो लेट्स सी द स्टोरी सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डजर्ट एरिया रेगिस्तान देख रहे हैं आप ये पूरा आपको रेगिस्तान दिख रहा है सो so, ये स्टोरी एक रेगिस्तान की है ओके okay? और इस स्टोरी में है एक अरब एंड कैमल अरब कौन होता है स्टूडेंट कौन होते हैं अरब अरब जो रेगिस्तान में रहते हैं है ना हम उनको क्या बोलते हैं अरब्स ओके सो so, ये स्टोरी एक अरब की है और उसके कैमल की है स्टूडेंट रेगिस्तान में या में लोग कैमल की यूज करते हैं क्योंकि कैमल ही ऐसा एनिमल होता है जो रेगिस्तान में चल पाता है स्टूडेंट ये जो कैमल के लेग्स होते हैं ना वो इस तरीके से रहते हैं कि वो सैंड में बहुत अच्छे से चल पाता है और कोई कोई एनिमल भी ट्रांसपोर्ट वहां पे उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता जितने अच्छे से कैमल चल पाता है तो लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करते हैं कैमल के ऊपर बैठकर कर ओके सो so, अरब ने भी क्या किया अरब एक दिन अपने कैमल पे बैठ के कहीं दूर जा रहा था राइट right? उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट लुक हियर इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द बैक ऑफ द कैमल राइट सो कोल्ड विंटर डे बहुत ही सर्दीला दिन था बहुत ही सर्दी वाला दिन था बहुत ठंडी थी है ना और अरब अपने कैमल पे बैठ के कहीं जा रहा था राइट right? उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट सी रात हो गई अंधेरा हो गया एट नाइट अरब द पिच हिज टेंट एंड वेंट इट द कैमल वॉज आउट साइड लुखिया रात हो गई अंधेरा हो गया तो क्या हुआ अरब ने अपना टेंट निकाला टेंट को लगाया और वो टेंट के अंदर चला गया ओके सो लुक हियर द कैमल द अरब इज इनसाइड द टेंट अरब कहा था इनसाइड द टेंट एंड सी द कैमल कैमल इज आउटसाइड द टेंट कैमल कहा है आउटसाइड द टेंट ओके स्टूडेंट सो अरब इज इन साइड द टेंट एंड कैमल इज आउट साइड दुआ स्टूडेंट अब कैमल धीरे धीरे टेंट के पास आ गया लुखियो बहुत ठंडी थी यू नो इट वॉज अ वेरी कोल्ड नाइट और कैमल धीरे धीरे टेंट के पास आ गया देन वॉट हैपन फिर कैमल ने पूछा अरब से मे आई पुट माई नेक इन साइड इट इज टू कोल्ड साइड क्या बोला कैमल ने क्या मैं अपनी नेक अंदर कर नेकू क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है फिर क्या क्या हुआ अरब ने क्या बोला ओके यू मे पुट योर नेक इन साइड ठीक है तुम अपनी नेक अपनी गर्दन अंदर कर लो उसके बाद क्या हुआ लुखिया कैमल ने अपनी नेक इनसाइड कर ली टेंट के नेक ऑफ द कैमल इज इन साइड द टेंट उसके बाद क्या हुआ उसके बाद कैमल ने बोला मे आई पुट माई लेग इन साइड इट इज टू कोल्ड आउट साइड क्या मैं अपने पैर क्या अपने लेग्स अंदर कर लू बाहर बहुत सर्दी है तो क्या बोला अरब ने ओके okay. ठीक है यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड तुम अपने आगे के पैर अंदर कर सकते हो तो कैमल ने अंदर आगे के पैर अंदर कर लिए उसके बाद क्या हुआ लुखिया आउटसाइड अब देखो कैमल की पहले इन साइड हो गई फिर फ्रंट लेग इन साइड हो गए फिर कैमल ने पूछा क्या मैं पूरा का पूरा इनसाइड अंदर आ जाऊं तो क्या बोला अरब ने नो नहीं नहीं द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ हम दोनों के लिए टेंट बहुत छोटा है कैसे हम अंदर आएंगे है ना लेकिन क्या हुआ कैमल ने क्या बोला अरब से सी कैमल ने बोला सो आई एम कमिंग इन साइड एंड यू गो आउट साइड कैमल ने बोला कोई बात नहीं आई एम कमिंग इन साइड उट साइड स्टूडें ऑपोजिट हो गया जब हमने स्टोरी स्टार्ट करी थी तो अरब वॉज इन साइड द टेंट एंड कैमल वॉज आउटसाइड लेकिन अब क्या हुआ अब उल्टा हो गया अब कैमल इन साइड हो गया और अरब आउटसाइड हो गया सो स्टूडेंट नाउ यू अंडरस्टेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड ओके स्टूडेंट सो ये है कॉन्सेप्ट इन साइड का और आउटसाइड का राइट स्टूडेंट ओके स्टूडेंट सो आप मैम को एक बात बताइए लुक हियर सी निया मैम इज हैविंग टू बॉटल्स राइट कैन यू सी टू बॉटल्स this bottle and this bottle now you see the size of the bottle student see this is big bottle buddy and this is small bottle so understood big small right student so this is actually big and small what is the big and what is big and what is small this is this matters the size है ना आप कैसे पता लगाएंगे कि ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है बिकॉज दिस इज द साइज जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आप बोलते हैं यू नो दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल सो दिस इज नेक्स्ट टॉपिक बिग स्मॉल राइट स्टूडेंट सो नाउ लुक हियर सी ही राइनो इज अग एनिमल है ना जैसे आप राइनो को देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है राइनो इज अ बिग एनिमल बड़ा जानवर है है ना एंड लुक हियर द डॉग अगर आप राइनो के साथ कंपेयर करें सो डॉग इज अ स्मॉल एनिमल अंडरस्टंड राइनो इज अग एनिमल एंड डॉग इज अ स्मॉल एनिमल राइट स्टूडेंट सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर टिक द बिगर जो भी बड़ा है आपको उसको टिक करना है सो टेलमी विच इज द बिगर हियर राइनो इज बिग और डॉग इज बिग ऑबियसली राइनो इज बिग सो आप यहाँ पे टिक करेंगे so, आप अपनी नो, अपनी बुक्स में राइनो पे टिक करिए बिकॉज राइनो इज अग एनिमल अंड स्टूडेंट सो डू दिस इन योर मैथ्स बुक्स नाउ लोखियो टिक दिसर अभी हमने नेक्स्ट पहले क्या किया था हमने बिग को टिक किया था अब यहां पे हमें क्या करना है टिक दी स्मॉलर राइट सो सी हियर दिस इज आल्सो एलिफेंट एंड दिस इज आल्सो एलिफेंट नाउ सी द साइज द साइज ऑफ द एलिफेंट इज दिस दिस मच मच एंड इज साइज ओके सो विच इज बिग एंड विच इज स्मॉल स्टूडेंट यस हम देख के बता सकते हैं दिस एलिफेंट इज बिग एंड दिस एलिफेंट इज स्मॉल तो हमें क्या करना है टिक दी स्मॉलर छोटे ऑब्जेक्ट को टिक करना है सो दिस एलिफेंट इज स्मॉलर तो आप अपनी अपनी बुक्स में स्मॉल एलिफेंट को टिक करिए ओके स्टूडेंट नाउ लुक हियर द ट्रीज दिस इज व्हाट दिस इज ट्री एंड दिस इज एप्पल रेड कलर एप्पल सो नाउ टेल मी ट्री बड़ी है कि एप्पल बड़ा है ऑब्वियसली ट्री इज बिग एंड एप्पल इज स्मॉलर ओके सो वी विल टिक एप्पल हियर राइट right? क्योंकि हमें यहां पे क्या करना है स्मॉलर को टिक करना है जो छोटा है उसको टिक करना है ओके स्टूडेंट सो हमने यहां पे स्मॉलर को टिक किया नाउ टिक दी स्मॉलेस्ट स्मॉलर टायर ओके सो लुक हियर दिस इज साइकिल एंड दिस इज कार ओके तो लुक हियर साइकिल का जो टायर होता है वो स्मॉल होता है स्टूडेंट कार का टायर स्मॉल होता है ऑब्वियसली कार बिग होती है तो उसका टायर भी बिग होता है और कार के कंपैरिजन में साइकिल छोटी होती है तो साइकिल का टायर भी छोटा होता है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट यहां पे, वी हैव टू टिक दी स्मॉलर टायर तो साइकिल और कार के टायर में से जो भी स्मॉल टायर है उसको टिक करना है सो द साइकिल टायर इज स्मॉलर आप अपनी बुक्स में साइकिल के टायर पे स्मॉलर पे टिक करेंगे ओके स्टूडेंट अंडरस्टूड ना वॉट इज स्मॉलर एंड वॉट इज बिगर ओके सो डू इन योर मैथ्स बुक नाउ लुक हियर, टिक दी स्मॉलेस्ट ट्री स्मॉलेस्ट अभी तो हमने बिग और स्मॉल देखा बिगर और स्मॉलर देखा नाउ स्मॉलेस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट सबसे छोटा स्मॉल स्मॉल

बिकॉज वी हैव टू टिक दी स्मोलेस्ट ट्री हमें सबसे छोटी ट्री पे टिक करना है ओके स्टूडेंट सो डू दिस इन योर मैथ्स बुक नाउ सी दिक द बिग्गेस्ट एनिमल हमने बिग एनिमल तो पढ़ लिया था नाउ इट इज बिगेस्ट सबसे बड़ा जैस व मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ बिगेस्ट सबसे बड़ा so take the biggest animal so look here rhino and this is dog and this is mouse can you see the mouse here so look here rhino dog and mouse to सबसे बड़ा animal कौनसा होगा student tell me जल्दी से देख के बताइए yes so rhino is the biggest animal right सब देखिए सबसे छोटा mouse से बड़ा डॉग एंड सबसे बड़ा राइनो राइट स्टूडेंट सो डू दिस इन योर बुक्स राइनो इज द बिगेस्ट एनिमल सबसे बड़ा एनिमल ओके सो डू दिस इन योर नोटबुक स्टूडेंट राइट लुक हियर व्हाट इज द एक्सरसाइज टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट स्मॉल मीन्स छोटा एंड स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा ओके okay? तो कौन कौन से फ्रूट है यहाँ पे watermelon, mango and what is this? cherry. okay. तो आप देख के बताइए सबसे छोटा फ्रूट कौन सा स्टूडेंट देखिए जल्दी देखिए yes, चेरी इज द स्मॉलेस्ट फ्रूट है ना हमें देख के समझ में आ रहा है वॉटरमेलन इतना बड़ा होता है मैंगो इतना बड़ा होता है चेरी छोटे छोटे होते हैं राइट सो चेरी इज द स्मॉलेस्ट फ्रूट है ना स्टूडेंट तो जैसे ही हम चीजों को देखते हैं उनका साइज देखते हैं हमें समझ में आ जाता है कि क्या बड़ा है क्या छोटा है विच ऑब्जेक्ट इज बिग बिग एंड ऑब्जेक्ट इज स्मॉल ओके स्टूडेंट सो आप अपनी बुक्स में ये टिक कर लीजिएगा नाउ टिक द बिगेस्ट बबल सबसे बड़े बबल पे टिक करिए टिक द बिगेस्ट बबल सो लुक द बबल्स सारे बबल्स देखिए

ओके okay? सो so, आप अपनी मैथ्स बुक में आपका ये सेकेंड टॉपिक भी आप कर लीजिए ओके स्टूडेंट्स सो हियर वी हैव कंप्लीटेड टू टॉपिक्स ऑफ ऑफ योर चैप्टर हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था इन साइड आउटसाइड एंड वॉट इज द सेकेंड टॉपिक बिगर स्मॉलर ओके सो आप अपनी मैथ्स बुक में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए राइट स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स थर्ड टॉपिक ओके नाउ टेल मी स्टार्ट करने के पहले दिस इज माई बॉटल ओके दिस इज माई बॉटल नाउ टेल मी, दिस इज विच पार्ट ये बॉटल का क्या है स्टूडेंट दिस इज टॉप ऑफ द बॉटल टॉप टी ओ पी टॉप दिस इज टॉप ऑफ द बॉटल एंड वॉट इज दिस ये क्या है दिस इज बॉटम ऑफ द बॉटल बॉटम टॉप बॉटम ऊपर नीचे

नाव सी द रैबिट टॉप पे है नाव सी रैबिट डाउन है बॉटम ओके स्टूडेंट सो दिस इज टॉप एंड बॉटम सो लेट्स स्टडी लेट्स क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ओके सो विल सी सम एग्जाम्पल्स सो स्टूडेंट ये देखिए यह आपको क्या दिख रहे हैं स्विंग्स दिख रहे हैं ओके और हर स्विंग का एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है राइट सी द स्लाइड

Two and three. So what is the question here? Take the pot on the top. हमें कौन से pot पे tick करना है जो बिल्कुल top पे है. So look here, this pot, this pot and this pot. So obviously this pot is at the top. Okay? ये middle में है और ये bottom है. Okay? तो so हम किसको tick करेंगे student? The top, the pot at the top. So we will tick this one. राइट सो डू इन योर बुक्स ओके वी द पॉट ऑन द टॉप वो पॉट जो सबसे टॉप पे हम उसे टिक करेंगे तो आप सब अपनी बुक्स में कर लीजिए ओके नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल लुक हियर सो रीड द क्वेश्चन टिक द एनिमल टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेयर्स स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां ओके okay? तो हमें क्या करना है उस एनिमल पे टिक करना है जो बॉटम ऑफ द स्टेयर टॉप ऑफ द एंड दिस इज द द बॉटम ऑफ़ दस का टॉप और का बॉटम तो हमें क्या करना है वी हैव टू टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर माने जो एनिमल स्टेयर्स के बॉटम पे हमें उसे टिक करना है तो हियर दिस कैट एंड दिस कैट दोनों की पोजीशन देखिए तो ये वाली कैट टॉप पे है एंड दिस कैट इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर तो हमें बॉटम ऑफ द स्टेयर वाले पे टिक करना है अंडरस्टूड सो टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर सो दिस कैट इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर ओके ये ब्लैक कैट टॉप पे है और ब्राउन कैट बॉटम पे है राइट right? तो so, ये भी आप अपनी बुक्स में कर लीजिए यस नियर फर्दर नियर फार ओके ऑब्जर्व दिस ट्री स्टूडेंट पहले आप एक ट्री को देखिए ओके एंड सी दिस लायन सो दिस लायन इज नियर है ना ये लायन नियर है एंड सी दुकिय लुक्य दिस लायन इज नियर एंड दिस फॉक्स इज फार सो जो शेर है वो नियर पास में है और जो लोमड़ी है फॉक्स है वो दूर है Okay, students, so the of near and far, जो चीज हमारे पास में होती है हम उसे बोलते हैं नियर और जो चीज दूर होती है ओके सो दिस स्टडेज टॉपिक नियर फार तो चलिए हम आपकी कुछ बुक की एक्सरसाइजेस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं सो स्टूडेंट रीड द क्वेश्चन द बर्ड टू होम ओके ऑब्जर्व द होम घर की पोजिशन देखिए स्टूडेंट और क्या करना है हमको टिक द नियर बर्ड हमें उस बर्ड पे टिक करना है जो घर के पास है ओके okay? आप टू बर्ड देख रहे हैं वन इज दिस बर्ड एंड वन इज दिस बर्ड एंड वेयर इज द होम दिस इज द होम ये घर दिख रहा है. है ना तो आपको क्या करना है द नियर बर्ड टू होम घर से जो बर्ड नियर है हमें उसे टिक करना है तो ध्यान से देखिए ये घर है और ये टू बर्ड्स तो दिस बर्ड इज इज एंड दैट बर्ड ओके तो हम किस पे टिक करेंगे दिस बर्ड पे राइट स्टूडेंट सो द बर्ड विच इज नियर टू द होम इज फर्स्ट बर्ड ओके तो अपनी बुक्स में कर लीजिए ये एक्सरसाइज जल्दी से राइट स्टूडेंट सो द बर्ड विच इज नियर दिस बर्ड राइट तो टिक कर लीजिए अपनी बुक्स में स्टूडेंट नाउ सी देश क्वेश्चन सो वॉट इज द सेकेंड क्वेश्चन हियर स्टूडेंट टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री फर्दर फार फर्दर दूर और दूर ओके सो सी दोजिशन ऑफ द ट्री ये ट्री दिख रही है स्टूडेंट ओके एंड दिस इज वन कैट एंड दैट इज अनदर कैट आपको टू कैट्स दिख रही है दिस कैट ध्यान से देखिए वन इज दिस कैट एंड अनदर इज दिस कैट ओके तो आपको क्या करना है टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री वो कैट जो ट्री से फर्दर है दूर है तो कौन सी कैट दूर है स्टूडेंट दिस वन और दिस वन ऑब्वियसली दैट वन ओके okay, तो हम उस कैट पे टिक करेंगे जो ट्री से फर्दर है दूर है तो आप इस पे टिक करिए ओके स्टूडेंट दिस कैट इज नियरर एंड दैट कैट इज फर्दर राइट स्टूडेंट तो अपने बुक में कर लीजिए ये भी जल्दी से अगर आपने नहीं किया है तो नाउ लुक हियर सी दिस इज द गर्ल एंड दैट इज द बॉय नाउ ऑब्जर्व दिस हट इस झोपड़ी को देखिए इस झोपड़ी के कौन नियर है और कौन फार है स्टूडेंट ये देखिए दिस बॉय एंड दिस कैट इज नियर ओके एंड दिस गर्ल इज फार फर्दर अंडरस्टूड सो घर के पास बॉय और डॉग है और गर्ल फर्दर है दूर है ओके okay? सो so, अब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट है ना नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन टिक दपी फॉर्दर फ्रॉम द ट्री ओके देखिए मेनी पपीजा ही हो बहुत सारे पपीज है और ये ट्री है दिस इज दी तो हमें क्या करना है टिक द पपी फर्दर फ्रॉम द ट्री तो ध्यान से देखिए सबसे दूर फर्दर कौन सा पपी है स्टूडेंट वन पपी टू पपी थ्री पपी फोर पपी एंड द फिफ्थ पपी तो सबसे दूर सबसे फादर कौन सा पपी है स्टूडेंट डैट पपी है ना तो हम किसे टिक करेंगे वी विल टिक दिस दिस बिकॉज इज फ्रॉम द ट्री देखो ये नियर है ये थोड़ा फार थोड़ा फार मोर फर्दर एंड दिस इज द मोस्ट फर्दस्ट ओके तो फर्दर फॉर्दर फर्दर एंड फर्दर तो सबसे दूर कौन सा पपी है दिस पपी इज द फर्दर फ्रॉम द ट्री ओके तो आप इस बपी पे टिक करेंगे राइट नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यर बुक टिक द ट्री नियरस्ट फ्रॉम बर्ड सी हाउ मेनी ट्रीज आई वन टू एंड थ्री थ्री ट्रीज आई और आपको क्या करना है टिक द ट्री नियरस्ट फ्रॉम द बर्ड दिस इज द बर्ड ओके तो कौन सी ट्री बर्ड के नियरस्ट है जल्दी बताइए ऑब्वियसली वन नंबर ट्री है ना ये बिल्कुल पास में है ये उससे दूर है और ये सबसे दूर है तो विच ट्री इज नियरेस्ट टू द बर्ड नंबर वन ट्री ओके तो हम किस पे टिक करेंगे नंबर वन ट्री पे बिकॉज दिस ट्री इज नियरेस्ट टू द बर्ड ओके सो डू दिस इन योर मैथ्स बुक्स राइट स्टूडेंट सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर फोर्थ टॉपिक अर फर्दर राइट स्टूडेंट तो समझ में आया आपको पास दूर नियर फर्दर राइट सो डू दाइज डू द क्वेश्चन ऑफ योर बुक एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट राइट स्टूडेंट तो यहां हमने अपना फोर्थ टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ओके स्टूडेंट सो टूडेज टॉपिक इज ऑन अंडर अबव And below. So, what is the meaning of on, student? Yes. The pen is, see, look here. The pen is now in. Okay. Now it is on. The pen is in my feast. Okay. Now pen is on my feast. Under in upper on. Okay. In on. In on. Okay, student. So, this is the meaning of.

ऊपर नीचे ऊपर नीचे राइट इन अ वेरी सिंपल वे अप डाउन अब बिलो राइट ऑन अंडर ओके स्टूडेंट सो दिस इज द टॉपिक ऑन अंडर अबव बिलो तो चलिए हम आपकी बुक की एक्सरसाइजेस करते हैं सो सी द फर्स्ट एक्सरसाइज टेक द चिल्ड्रेन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रेन अंडर द टेबल राइट स्टूडेंट्स देखिए आपको ये क्लासरूम दिख रहा है है ना और क्लासरूम में क्या है स्टूडेंट्स आर देयर टेबल्स आर देयर एंड स्टूडेंट्स आर प्लेइंग विद द शेप्स ये क्या है स्टूडेंट शेप्स हैं एंड द बॉय इज प्लेइंग विद द शेप्स ओके एंड दिस बॉय इज ईटिंग पिज्जा ओके एंड सी दिस बॉय इज रीडिंग द गर्ल इज आल्सो रीडिंग तो हमें क्या करना है टेक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल जो बच्चा टेबल के ऊपर बैठा है तो बताइए कौन बैठा है ये सो दिस बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल तो हम इसको टिक करेंगे बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द टेबल अंडरस्ट ऑन द टेबल टेबल के ऊपर बैठा है और क्या करना है क्रॉस द चिल्ड्रेन अंडर द टेबल अंडर द टेबल टेबल के नीचे कौन बैठा है लुखिए आप तो देखिए दिस इज द टेबल और टेबल के नीचे दिस बॉय इज सिटिंग अंडर द टेबल है ना सो so, हम इसको क्रॉस करेंगे राइट right, स्टूडेंट तो करा हमने अपना क्वेश्चन वी हैव टू टिक द चिल्ड्रेन ऑन द टेबल तो ओनली वन स्टूडेंट एक बच्चा टेबल के ऊपर बैठा है एंड ओनली वन चाइल्ड और एक ही बच्चा टेबल के नीचे बैठा है ओके okay? तो जो ऑन है हमने उसको टिक किया और जो अंडर है हमने उसको क्रॉस किया ओके सो डू दिस इन योर मैथ्स बुक राइट स्टूडेंट अंडरस्टूड ओके तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सी अब यहां पे हम कुछ रिवाइज करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं राइट आपको ऑन अंडर अब बिलो ये समझ में आया राइट right. अब देखिए आपकी बुक में ये रिवाइज करा हुआ है हमारे पहले के टॉपिक्स तो क्या क्या है डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम ओके सो स्टूडेंट लुक द पोजिशन ऑफ द बॉय एंड द गर्ल जेक एंड जेल ओके तो ये कहा है दे आर स्टैंडिंग नियर द वेल लुक आपको कुआ दिख रहा है ना सो दीज चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग नियर द वेल वेल के पास और ये काउ कहां है स्टूडेंट दिस काउ इज ऑल्सो नियर द वेल वेल के पास में है ओके बट सी द गर्ल ये वाली गर्ल शी इज फार फ्रॉम द गर्ल फार फ्रॉम द वेल ओके स्टूडेंट तो समझ में आया आपको द बॉय एंड द गर्ल इज नियर द वेल द काउ इज नियर द वेल एंड दिस गर्ल इज फार फ्रॉम द वेल समझ में आया सो ये दोनों कुएं के पास है अर द वेल पास में है बट दिस गर्ल इज फार फ्रॉम द वेल ये कुएं से दूर है ओके सो दिस इज नियर फार नाउ कम्स दी टॉप एंड दॉटम सो लुक इटूडेंट सी दिस इज द वेल ये कुआ है सो दिस शेड द शेड ऑफ द वेल कुए का ऊपर का छतरा ये क्या है टॉप दिस इज दॉप right the roof of the well this is top and the boy and the girl are standing at the bottom Ye bache kaha khane, student bottom so understood top of the well bottom of the well right so near far top bottom understood see here the houses the houses are at the top okay and the grasses are at the

ओके सो स्टूडेंट वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर करिए शेप्स अस शेप्स आकार है ना सो देर आर मेनी शेप्स बहुत सारे शेप्स होते हैं स्टूडेंट राइट right? तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेप्स पढ़ते हैं राइट right, स्टूडेंट्स तो चलिए हैव अ लुक ऑन दिस टॉपिक सो so, पहले हम थोड़ा शेप्स के बारे में पढ़ते है, so, me, shape, हैं स्टूडेंट सो टेल मी दिस इज विच शेप स्टूडेंट ऑल द साइड्स साइड स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फोर साइड ओके एंड द ऑल द फोर साइड आर इक्वल सब बराबर हैं सो दिस इज स्क्वेर हम क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट S Q U A R E. So this is square, right? So what is square shape, ka student? Caram Okay? See the shape of the caram The four sides and all the four sides are equal. So this is caram and this is square. Okay? Now what is this shape, student? Round and round circle. So this is circle c i r c l e so this is round and round circle see the smiley is circle in shape okay so this is circle now student what is this three sides hannah yes so this three side shape is triangle so this is t r i a n -L -E.

तो आइसक्रीम कोन का शेप स्टूडेंट ट्राइंगल नहीं होता इट इज लाइक दिस सो दिस इज हम इसको क्या बोलेंगे कोन शेप आपकी जो बर्थडे कैप होती है ना स्टूडेंट वो भी कोन शेप की होती है ओके सो दिस इज नॉट ट्राइंगल दिस इज कोन राइट कोन शेप ओके ना लुक द शेप ऑफ द केक क्या ये स्क्वायर है नो लुक ध्यान से देखिए दीज टू साइड्स आर इक्वल ओके एंड दीज टू साइड आर इक्वल ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं टू साइड लॉन्ग टू साइड शॉर्ट तो हम इसको क्या बोलेंगे जी एल ई दिस इज रेक्टेंगल रिपीट आफ्टर मी रेक्टेंगल ओके टू साइड्स लॉन्ग टू साइड्स शॉर्ट ओके ना लुक द सिलेंडर आपके घर में सबके घर में सिलेंडर है सो द शेप ऑफ द सिलेंडर इज सिलेंड्रिकल हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट सिलेंड्रिकल सी वाई एल आई एन डी आर आई सी एल सिलेंड्रिकल सो देप इज सिलल ओके स्टूडेंट सो दीज आर दी सम कॉमन शेप्स ओके स्क्वेयर सर्कल ट्राइंगल कौन रेक्टेंगल सिलेंड्रिकल ओके स्टूडेंट्स तो ये तो था शेप्स अब आपको जनरल आइडिया मिल गया शेप्स के बारे में ओके नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस ऑफ़ योर बुक सो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक का पेज है ओके सो रीड द क्वेश्चन क्या लिखा हुआ स्टूडेंट पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन ओके सो यहां पर कुछ शेप्स दिख रहे हैं स्टूडेंट एंड टू बॉक्सेज आस इज यो बॉक्स एंड दिस इज पिंक बॉक्स ओके तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है और ये देखिए एक एक शेप ऑलरेडी रखा हुआ है बॉक्स में है ना तो येलो बॉक्स में ये कौन सा शेप रखा हुआ है स्टूडेंट सर्कल सर्कुलर शेप और पिंक बॉक्स में क्या रखा हुआ है क्यूब स्क्वायर शेप ओके तो हमें क्या करना है पिंक बॉक्स में सारे स्क्वायर शेप या क्यूब शेप को रखना है और येलो बॉक्स में सारे सर्कुलर शेप्स को रखना है ठीक है तो चलिए करते हैं पहले हम रखते हैं पिंक बॉक्स में दिस इज पिंक बॉक्स ओके और इसमें हमको रखना है स्क्वायर या क्यूब शेप तो एक तो ऑलरेडी है स्टूडेंट ये लाइन ड्रॉ है ठीक है अब बताइए और क्या है सी दिस चौक बॉक्स ये भी क्यूब है स्क्वायर शेप इसको भी हम लाइन ड्रॉ करके यहां ले आते हैं राइट right? अब देखिए दिस मैच बॉक्स इसको भी हम ले आते हैं उसके बाद और क्या है स्टूडेंट लुक हियर, लुक हियर, यस, दिस वन आइस क्यूब है ना इसको भी हम पिंक बॉक्स में ले आते हैं राइट right? सो so, हमारे क्यूब और स्क्वायर शेप सारे पिंक बॉक्स में चले गए ठीक है नाउ इज द चांस ऑफ येलो बॉक्स So, सारे सर्कुलर शेप्स बचे स्टूडेंट सर्कल सर्कल तो एक एक करके हम ले आते हैं फर्स्ट वी विल ब्रिंग द बलून ये आ गया नाउ वी विल ब्रिंग द टोमैटो ये आ गया नाउ वी विल ब्रिंग द फुटबॉल ये आ गई नाउ दिस इज चेरी तो ये भी आ गया ओके okay, स्टूडेंट तो समझ में आया आपको हमने सारी क्यूब शेप्स सारे स्क्वायर शेप्स पिंक बॉक्स में डाले और सारे सर्कुलर शेप्स येलो बॉक्स में डाले Understood? तो बहुत ही मजा आएगा आपको करने में तो अपनी बुक्स में ये एक्सरसाइज करिए, ओके स्टूडेंट okay, तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं आपके बुक की ओके okay. ये भी मोर ओवर सिमिलर है मैच सिमिलर शेप्स ड्राइंग अ लाइन हमें क्या करना है सिमिलर माने जो सेम शेप्स हैं सेम एक जैसे शेप्स हैं उनको मैच करना है लाइन ड्रॉ करके देखो वन इज वन हैज ऑलरेडी डन फॉर यू क्यूब क्यूब दोनों को लाइन ड्रॉ करके मैच कर दिया ओके नाउ लुक हियर वन वन हम ये टोमैटो देखते हैं टोमैटो कौन सा शेप है स्टूडेंट सर्कल और क्या सर्कल है दिस बेलून तो हम इन दोनों को मैच कर देते हैं लाइन ड्रॉ करके डन वेरी सिंपल अब उसके बाद हम इस फुटबॉल को देखते हैं सर्कल और क्या सर्कल है दिस टेनिस बॉल इन दोनों को भी मैच कर देते हैं हम सो लुक हियर हमने फुटबॉल को टेनिस बॉल से मैच कर दिया राइट स्टूडेंट नाउ कम्स दी अब क्या बचा है चौक बॉक्स एंड दिस बॉक्स ओके मैच बॉक्स तो चलिए हम मैच बॉक्स और चॉक बॉक्स को भी मैच कर देते हैं तो डन हमने सारे क्यूब क्यूब से मैच कर दिए और सारे सर्कल सर्कल मैच कर दिए ओके okay? तो आप भी अपनी बुक्स में जल्दी से कर लीजिए राइट स्टूडेंट ओके नाउ कम्स नेक्स्ट एक्सरसाइज अब यहां क्या करना है स्टूडेंट सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप्स ठीक है सेम वही करना है हमें क्या करना है शेप्स को ज्वाइन करना है और उनकी सॉर्टिंग करना है ज्वाइन कर करके अलग अलग करना है सेम शेप्स को ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए सबसे पहले सिलेंड्रिकल तो so सिलेंड्रिकल हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट क्या होता है हमारे घर का सिलेंडर वो कौन से शेप का होता है सिलेंड्रिकल शेप का राइट right? तो चलिए पहले हम सारे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को सिलेंड्रिकल शेप से मैच कर देते हैं वन इज डन फॉर यू एक आपके लिए ऑलरेडी करा हुआ है ये क्या है स्टूडेंट दिस इज वॉट दिस इज क्रैकर पटाखा है ना तो इसको देखिए मैच करा हुआ है अब हम और क्या क्या सिलेंड्रिकल है ध्यान से देखिए कहा है बॉटल yes, और थर्मस वी कैन से है ना तो हम इसको मैच कर देते हैं ये भी सिलेंड्रिकल शेप है और क्या शेप है स्टूडेंट यस दिस कैंडल तो हम इस कैंडल को भी मैच कर देते हैं ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है और क्या है दिस ग्लास ये भी सिलेंड्रिकल शेप है हम इसको भी मैच कर देते हैं ओके okay, और बताइए और कुछ बच रहा है यस दिस रोल ऑफ पेपर ड्रिकल एंड शेप हमने इसको भी मैच कर दिया और कोई बच रहा है स्टूडेंट दिस हम इसको भी मैच कर देते हैं तो हमने सारे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को सिलेंड्रिकल शेप से मैच कर दिया इतना समझ में आया आपको ओके सो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेंड्रिकल शेप से मैच कर दिया ओके okay. अब हम क्या करेंगे अब हम सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर शेप से मैच करेंगे तो ये सर्कल है सबसे पहले हम यहां लेके आए हमने ऑरेंज के साथ मैच किया बिकॉज ऑरेंज इज ऑल्सो सर्कल इन शेप और क्या सर्कल है स्टूडेंट देखिए ध्यान से यस दिस बॉल हमने इसको भी मैच कर दिया अंडरस्टूड और क्या सर्कल है जल्दी बताइए जल्दी बताइए यस दिस बेलून इसको भी मैच कर दिया और एक और कुछ दिख रहा है जल्दी ढूंढिए वॉट इट इज यस वॉटरमेलन तो हमने वाटरमेलन को भी मैच कर दिया राइट right स्टूडेंट तो हमने सिलेंड्रिकल कर दिया हमने सर्कुलर कर दिया ओके okay? ओके अब हम करते हैं नेक्स्ट शेप शेप क्या कोन कोन okay? आपका बर्थडे कैप आपका आइसक्रीम कोन सो दिस इज कोन शेप तो चलिए इसको मैच करते हैं सबसे पहले वेर वेर यस आइसक्रीम कोन ओके स्टूडेंट और क्या है जल्दी से देखिए बर्थ डे कैप वेरी गुड और क्या है जल्दी बताइए यस yes. दिस कोन शेप राइट right? और कुछ दिख रहा है आपको कुछ बच गया नो डन सो कौन शेप इज ऑल्सो ओवर नाउ कम्स दी लास्ट शेप डैट इज क्यूब राइट स्टूडेंट तो चलिए क्यूब को क्यूब के साथ मैच करते हैं कहां है क्यूब 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 येस yes. दिस इज क्यूब तो मैच कर दिया और कुछ क्यूब है क्या स्टूडेंट यस दिस वन तो ये मैच कर दिया अब आप बोलेंगे मैम क्या ये भी क्यूब है नो दिस इज क्यूबॉइड ओके देखिए क्यूब ऑल द साइड्स आर इक्वल और क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल का फॉर्म होता है स्टूडेंट टू साइड्स लॉन्ग टू साइड्स शॉर्ट ओके सो दिस इज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्यूब ओके So, हमने अपनी ये वाली एक्सरसाइज स्टूडेंट कंप्लीट कर ली हमने शेप्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच कर दिया राइट स्टूडेंट सो ये आपकी एक्सरसाइज थी सॉर्टिंग नाउ सी नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक व्हाट इज द एक्सरसाइज स्टूडेंट सारी मोर ओवर सेम एक्सरसाइजेस है ना आपको शेप्स को मैच करना है इट वॉट इज द क्वेश्चन मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स सेम चीज है आपको सेम सेम शेप को मैच करना है ठीक है वन इज डन फॉर यू ये देखिए आइसक्रीम कोन को बर्थडे कैप के साथ मैच कर दिया दोनों कौन शेप है ओके ना लुक इ वॉटरमेलन वॉटरमेलन कौन से शेप का है स्टूडेंट दस हम बेलून के साथ मैच कर देते हैं सर्कल सर्कल टोमेटो को बॉल के साथ मैच कर देते हैं सर्कल सर्कल ना लुक हियर दिस ड्रम ड्रम का शेप क्या होगा स्टूडेंट सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल है ना सो सिलेंड्रिकल क्या है स्टूडेंट दिस कैंडल ओके और क्या है लुक हियर, दिस फ्लास्क को हम क्रैकर फटाके के साथ मैच कर सकते हैं एंड एंड व्हाट एल्स दिस वी कैन मैच विथ दिस राइट स्टूडेंट और क्या बच गया एंड स्टूडेंट दिस को हम इसके साथ मैच कर सकते हैं बुक में करिए हमने क्या किया स्टूडेंट बट सिमिलर शेप्स को मैच कर दिया सिलेंड्रिकल right, so, ऑब्जेक्ट को सिलेंड्रिकल के साथ मैच कर दिया कोन को कौन के साथ मैच कर दिया सर्कुलर को सर्कुलर के साथ मैच कर दिया ओके okay, स्टूडेंट क्यूबॉइड हमारे पास नहीं है यहां पे क्यूब है और यहाँ पे क्यूबॉइड है इसलिए हम इनको मैच नहीं करेंगे ओके स्टूडेंट सो डू दिस इन योर मैथ्स बुक राइट स्टूडेंट कुछ नहीं करना है आपको शेप्स को रिकॉग्नाइज करना है और उनको मैच करना है राइट right? सो so, इसको भी आप अपनी बुक में किया नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग स्लाइडिंग वट इज मीनिंग ऑफ रोलिंग रोलिंग स्लाइडिंग ओके स्टूडेंट्स आप स्लाइड पे स्लाइड करते हैं लुक हियर सी द बेयर इज स्लाइडिंग स्लाइड करना फिसलना एंड व्हाट इज द द मीनिंग ऑफ रोलिंग लुक हियर बॉल रोल्स ऑन द स्लाइड बॉल क्या कर रही है स्लाइड पे वो क्या कर रही है रोल कर रही है है ना स्टूडेंट्स सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग ठीक है तो पहले हम हाँ मीनिंग समझते हैं राइट right, स्टूडेंट आपने शेप्स पढ़े पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े सो स्टूडेंट्स एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर होता है लाइक बॉल फुटबॉल देन एप्पल ऑरेंज लेमन ओके ये कैसे होते हैं सर्कुलर शेप गोल गोल तो जब हम इनको ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ये क्या करते हैं रोल करते हैं क्योंकि ये सर्कुलर शेप के होते हैं राउंड शेप ओके स्टूडेंट तो ये क्या करते हैं रोल करते हैं कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ठीक है एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर आप उसको ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो आप ऐसे स्लाइड पे उसको फेंकेंगे तो वो रोल करेगा अंडरस्टूड स्टूडेंट एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन राइट right? अब स्लाइड पे क्या होता है स्टूडेंट स्लाइड करना कब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस फ्लैट होता है ठीक है वो स्लाइड करेगा वो रोल नहीं करेगा जैसे कि सी द बेयर क्या बेयर सर्कुलर है नो no. बेयर का एक सरफेस फ्लैट है तो वो स्लाइड करेगा लाइक द रबर हमारी रबर हमारी इरेजर है ना हमारी घर की प्लेट अगर आप उसको स्लाइड पे से नीचे डालोगे तो वो स्लाइड करती हुई आएगी आपका बैट अगर आप उसको स्लाइड करोगे तो वो स्लाइड करता हुआ आएगा है ना क्योंकि उसका एक सरफेस फ्लैट होता है ऐसा सीधा फ्लैट फ्लैट माने बिल्कुल प्लेन ओके सो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स रोल्स करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जिनका एक सरफेस फ्लैट होता है वो स्लाइड करते हैं अंडरस्टंड क्लियर इन अ वेरी सिंपल वे ऑल द सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स रोल डाउन एंड द ऑब्जेक्ट विच इज गॉट फ्लैट सरफेस वो स्लाइड करते हैं ठीक है स्टूडेंट तो चलिए अब हम आपकी बुक की एक्सरसाइजेस करते हैं सो सी दर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन रीड करिए टिक द ऑब्जेक्ट डेट रोल वो ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जो रोल करेगा है ना तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है हमारे पास पेंसिल फुटबॉल दिस इज वॉट बटर ओके एंड दिस इज अनियन राइट right? तो जल्दी बताइए सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल सो फुटबॉल रोल करेगी हम इसको टिक कर देते हैं एंड अनियन विल आल्सो रोल बिकॉज अनियन भी सर्कुलर शेप की होती है राइट स्टूडेंट लुक द बटर बटर का शेप यहां से फ्लैट है एक सरफेस फ्लैट है तो ये स्लाइड करेगा ओके एंड स्टूडेंट पेंसिल पेंसिल का शेप क्या है सिलेंड्रिकल है ना लुक यो द शेप ऑफ द पेंसिल इज सिलेंड्रिकल राइट अब स्टूडेंट्स सिलेंड्रिकल शेप रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है देखिए अगर आपने पेंसिल को ऐसे फेंका स्लाइड पे से तो ये स्लाइड करेगी और आपने हॉरिजॉन्टली फेंका तो ये रोल करेगी अंडरस्ट तो सिलेंड्रिकल शेप जिस भी ऑब्जेक्ट का सिलेंड्रिकल शेप होता है वह स्लाइड भी कर सकता है अगर आपने ऐसे सीधा वर्टिकल फेंका ओके okay? और आपने अगर हॉरिजोंटल फेंका तो वो रोल करेगा तो पेंसिल रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है तो हम उसको टिक नहीं लगा रहे हैं हम किसको टिक लगा रहे हैं हमारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट को सर्कल को फुटबॉल को और अनियन को ओके स्टूडेंट सो डू दिस इन योर मैथ्स बुक राइट नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड ओके तो सर्कुलर वाला हमने देखा ऑल द सर्कुलर ऑब्जेक्ट रोल करते हैं है ना और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रोल और स्लाइड दोनों करते हैं और यहां पे हमें किस पे टिक लगाना है जो स्लाइड करेगा और स्लाइड कौन से object करते हैं जिनका एक सरफेस फ्लैट होता है ऐसा बिल्कुल सीधा प्लेन फ्लैट है ना तो देखिए सबसे पहले क्यूकुम्बर तकड़ी क्यूकुम्बर का शेप क्या होता है स्टूडेंट सिलेंड्रिकल है ना और सिलेंड्रिकल रोल भी करता है स्लाइड भी करता है ठीक है रोल ऑल्सो स्लाइड ऑल्सो अगर आप इसको ऐसा वर्टिकल फेंकोगे नीचे तो ये स्लाइड करेगा और हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो रोल करेगा अंडरस्टूड तो हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं टोमैटो तो टोमेटो तो क्या है स्टूडेंट सिलेंड्रिक सॉरी सर्कुलर इन शेप सर्कल तो ये तो रोल करेगा तो दिस इज कट ओके okay? नाउ दिस इज ब्रीफ केस बैग बैग का ये सरफेस देखिए स्टूडेंट फ्लैट है है ना फ्लैट बिल्कुल प्लेन तो अगर हम इसको थ्रो करेंगे तो ये स्लाइड करेगा तो हम इसको टिक कर देते हैं ओके स्टूडेंट नाउ सी बैटरी बैटरी का शेप भी क्या है स्टूडेंट सिलेंड्रिकल और आपको पता है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट स्लाइड भी करेंगे रोल भी करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ टिक लगाते हैं ब्रीफ केस पे राइट स्टूडेंट बिकॉज टोमेटो सर्कुलर है और क्यूमर एंड बैटरी सिलेंड्रिकल है जो दोनों कर सकते हैं राइट स्टूडेंट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो सर्कल शेप में होते हैं गोल गोल होते हैं वो रोल करते हैं और जिनका सरफेस फ्लैट होता है प्लेन वो स्लाइड करते हैं ओके okay, स्टूडेंट और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लाइक क्यूकुबर लाइक बैटरी लाइक पेंसिल ये स्लाइड और रोल दोनों करते हैं ठीक है इनको भेक, जो जब हम थ्रो करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये स्लाइड करेगा कि रोल करेगा ओके स्टूडेंट सो अंडरस्टंडप दिस इन माइंड अबाउट रोलिंग एंड स्लाइडिंग राइट स्टूडेंट तो अपनी मैथ्स बुक में ये टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट आप स्टोरी को इंजॉय भी करेंगे बुद्धिमान दादी ओके सबकी दादियां और नानी जी बहुत बुद्धिमान होती है तो ये स्टोरी है एक लैम की दादी की ओके वॉट इज अग ऑफ लैम छोटा बेबी लाइक शीप का छोटा सा बच्चा मेमना ओके okay? सो so, ये एक लैम्ब की ग्रांड मदर की स्टोरी है और ग्रैंड मदर कैसी है बहुत वाइस इंटेलिजेंट ओके स्टूडेंट सो लेट सी द स्टोरी स्टोरी को देखते हैं सुनते हैं और अपना रोलिंग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझते हैं सो स्टूडेंट सी देर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिस्स ग्रैंड मदर सी दिस इज द लैम्ब ओके okay? और लैम क्या हुआ अपनी दादी जी से मिलने जा रहा था ओके द लैम वॉज गोइंग टू सी ग्रैंड मदर कहा जा रहा था वो अपनी ग्रैंड मदर अपनी दादी जी से मिलने उसकी दादी जी थोड़ा दूर रहती थी स्टूडेंट देन वट हैपन सी हियर ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ है ना वो जंगल में एक लोमड़ी से मिला और लोमड़ी ने लैम को देखते से ही क्या सोचा मैं तो इसे खाने वाला हूं और वुल्फ ने लैम से क्या बोला आई एम गोइंग यू मैं तुम्हें खा जाऊंगा ये किसने बोला स्टूडेंट ये वुल्फ ने लैम को बोला लोमड़ी ने छोटे से लैम को बोला ओके आई एम गोइंग टू ईट यू फिर क्या हुआ स्टूडेंट हियर देन लैम ने क्या बोला वो तो डर गया और उसने बोला प्लीज लेट मी गो प्लीज मुझे जाने दो आई एम गोइंग टू मीट माई मदर मुझे जाने दो. मैं अपनी अपनी दादी से मिलने जा रहा हूं. You can eat me when I'm written. जब मैं वापस मिल के आऊंगा तो तुम मुझे खा जाना ओके okay? तो वुल्फ ने क्या बोला ओके यू मे गो ठीक है तुम चले जाओ देपन सी हुआ? अब वो दादी जी से मिल लिया है ना अब उसके बाद जब वो वापस आने वाला था, अबाउट द वुल्फ है ना जब वो अपनी दादी से, जी से मिल के वापस आ रहा था तो उसने वुल्फ के बारे में दादी जी को बताया कि दादी दादी ऐसा हुआ जब मैं आ रहा था तो मुझे एक लोमड़ी मिली एक वुल्फ मिला वो मुझे खाने वाला था तो मैंने उसको बोला मुझे अभी मत खाओ जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे खा जाना दादी ने सुना फिर ग्रैंड मदर ने लैम को एक आइडिया दिया क्या बोला गो एंड हाइड ऑर सेल्फ इन अ ढोलक बोला सुनो जाओ और एक ढोलक में जाके छुप जाओ है ना फिर क्या किया उसने लैम ने ऐसा ही किया वो जाके ढोलक में छुप गया ये देखो दिस इज द ढोलक और लैम जाके ढोलक में बैठ गया देन वॉट हैपन द मदर रोल द ढोलक ऑन द रोड द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन ग्रैंड मदर ने ढोलक को ऐसे रोल कर दिया और ढोलक रोल होती हुई जा रही थी र, रोल होती हुई ऐसे ऐसे रोलिंग देखिए दिस इज द ढोलक और ढोलक का शेप क्या होता है स्टूडेंट सिलेंड्रिकल है ना और किसी भी सिलेंड्रिकल चीज को जब हम हॉरिजॉन्टली ऐसे में जब उसको हॉरिज दिस इज हॉरिजॉन्टल दिस इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जब हम हॉरिजॉन्टल ऐसे पुश करते हैं तो वो रोल होती है है ना तो ढोलक रोल होना शुरू हो गई देन व्हाट हैपेंड सी लुक हियर उसके बाद द लैम्ब saw the wolf waiting for him ढोलक में से लैम ढोलक के अंदर से लैम्ब ने देखा द वुल्फ वाज़ स्टैंडिंग देयर Wolf तो वहीं खड़ा था और द वूल फॉर वेटिंग फॉर हिम वो लैम का वेट कर रहा था कि कब लैम्ब आएगा वापस और कब मैं उसको खा जाऊंगा बोला डिड यू सी द लैम कमिंग दिस वे क्या बोला ढोलक से क्या तुमने लैम को रास्ते में कहीं देखा था तो लैम ने अंदर से क्या बोला नो no. क्या बोला नो no. उसके बाद क्या हुआ वुल्फ ग्रू सस्पीशियस है ना वूल्फ को लगा कुछ तो दाल में काला है एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड ढोलक ये देखिए ढोलक आगे आगे और वोल्फ पीछे पीछे धेन वॉट हैपन सी बिफोर द वुल्फ कुच हिम मतलब मतलब वुल्फ पकड़ पाता उससे पहले लैम रीच द होम ये लैम का घर है और वो घर पहुंच गया और देखिए वो जल्दी से दौड़ के अपने घर में घुस गया है ना वुल्फ तो पीछे दौड़ रहा था और लैम्प जल्दी से आके अपने घर के अंदर चला गया मदर है ना और उसने सोचा थैंक यू सो मच दादी जी आपने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया कि मैं वुल्फ से बच गया है ना स्टूडेंट तो देखा आपने कैसे दादी जी ने वुल्फ हमारे लैम्प को आइडिया दिया ढोलक के अंदर बैठ जाओ और रोल हो जाओ तो रोल रोल करते करते लैम्ब अपने घर में पहुंच गया और वुल्फ तो ऐसे ही और वुल्फ तो ऐसे ही खड़ा रह गया है ना so, स्टूडेंट सो थी स्टोरी मजेदार तो हमने देखा कैसे रोलिंग के कॉन्सेप्ट से हमारा लैंब बच गया ओके स्टूडेंट सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग ओके हमने अपनी मैथ्स में पढ़ा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग एंड स्लाइडिंग तो अब आप, आप बेटर समझ गए होंगे कि वॉट इज एक्चुअली रोलिंग ओके स्टूडेंट सर स्टूडेंट हमने शेप्स भी पढ़े राइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स अलग अलग तरीके के आकार लाइक राउंड शेप ट्राइंगल शेप स्क्वायर शेप रेक्टेंगल शेप सिलेंड्रिकल शेप ओके स्टूडेंट्स तो हम उन्हीं शेपों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ओके सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टडी द टॉपिक शेप्स सो so, here सी दिस एक्सरसाइज ऑफ योर बुक ये एक्सरसाइज आपके बुक में दी है स्टूडेंट एंड what इज द टॉपिक हमें क्या क्वेश्चन दिया है मैच द shapes ऑफ सेम साइज हमें ये आपको shapes दिख रहे हैं स्टूडेंट हियर also शेप्स here also शेप्स आपको क्या करना है जो सेम साइज के शेप है उनको मैच करना है ओके मैचिंग कैसे करेंगे हम लाइन ड्रॉ करके सी द वन इज डन फॉर यू सी द द साइज ऑफ ट्राइंगल अच्छे से ऑब्जर्व करिए के साइज ओके तो देखिए ये ट्राइंगल और यह ट्राइंगल है तो ये मैच हो गया नाउ नाउ सी द साइज ऑफ दिस स्टूडेंट सी देखिए ये ट्राइंगल है अब बताइए इस ट्राइंगल को क्या ये इस साइज का है या ये साइज का है ध्यान से देखिए यू हैव टू ऑब्जर्व यस सो दिस साइज तो आप क्या करेंगे आप लाइन ड्रॉ करेंगे और मैच कर देंगे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से ओके नाउ लुक हियर दिस ट्राइंगल नाउ दिस एंड दिस इज सेम ऑब्जर्व करिए दोनों को ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट यस सो वी विल मैच दिस ट्राइंगल विथ दिस ट्राइंगल ओके स्टूडेंट सो डन तो आपको क्या करना है सेम साइज के शेप को मैच करना है सो डू दिस इन योर बुक्स ओके सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां करना क्या करना है स्टूडेंट मैच दिस इज दिस वी हैव डन नाउ मैच द सेम शेप्स अब देखिए यहां भी शेप्स दिख रहे हैं यहां भी शेप्स दिख रहे हैं दिस इज विच शेप जल्दी से बताइए राउंड एंड राउंड सर्कल दिस इज विच शेप स्क्वायर स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल व्हाट इज दिस रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड इक्वल होते स्टूडेंट ओके एंड हाफ सर्कल और okay? so मैच करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड सी वन इज डन फॉर यू एक आपके लिए करा हुआ है रेक्टेंगल को रेक्टेंगल के साथ मैच किया नाउ लुक द सर्कल यहां आपको सर्कल कहां दिख रहा है दिस वन कहा है स्टूडेंट दिसा रखा हुआ है बट है तो स्क्वायर ओके नाउ सी दिस सेमी सर्कल तो वी विल मैच दिस सेमी सर्कल डन स्टूडेंट तो हमने क्या किया मैचिंग करा सेम शेप्स को ओके स्टूडेंट सो दिस एक्सरसाइज इज डन आप इसको अपनी बुक्स में कंप्लीट कर लीजिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज सो देज इज मैच द सेम शेप्स यहां पर भी हमें यही करना है स्टूडेंट सेम शेप्स को मैच करना है दिस इज ट्राइंगल यहां पर कहां ट्राइंगल है स्टूडेंट दिस इज ट्राइंगल सो वी विल मैच य नाउ दिस ट्राइंगल दिस ट्राइंगल है ट्राइंगल लेकिन शेप अलग है स्टूडेंट तो ये जो ट्राइंगल होता है ना स्टूडेंट जिसमें एक साइड स्ट्रेट होता है और एक कैसे हम बोलते हैं right okay? है वो अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए बट दिफरेंट सो दिस एंड दिसम एंड इज दिसंट करते हैं पहले वन टू थ्री फोर फाइव साइड फाइव और हम इसको क्या बोलते हैं पेंटागन दिस इज पेंटागन तो पेंटागन को हमने पेंटागन से मैच कर दिया ओके स्टूडेंट सो दिस पेज इज डन तो अपनी मैथ्स की बुक में ये कंप्लीट कर लीजिए राइट सो ये हम शेप्स को रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट ओके नाउ सी द नेक्स्ट पेज वेरी इंटरेस्टिंग कलर द स्मॉलेस्ट शेप देखिए दिस इज ऑल्सो स्क्वायर क्र एंड दिस इज ऑल्सो स्क्त क्या किया है सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटे कलर किया है so तो स्मॉलेस्ट सर्कल सबसे छोटा सर्कल कौन सा स्टूडेंट ये है नो no. ये नो no. क्या ये है ये yes. तो वी विल कलर दिस ओके So, आप भी अपनी बुक में सबसे स्मॉलेस्ट शेप को कलर करेंगे लाइक like दिस अच्छे से ओके सो दिस ऑल्सो यू डू इन योर बुक्स राइट स्टूडेंट सो दिस पेज इज ऑल्सो डन नाउ द नेक्स्ट पेज इज कलर द स्मॉलेस्ट शेप सेम थिंग विच इज द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल हियर दिस 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 सबसे छोटा ट्राइंगल कौन सा है स्टूडेंट क्या ये है ये है नो no. ज द स्मोलेस्ट ट्राइंगल तो आप इस पूरे ट्राइंगल को कलर करेंगे तो okay? so, आप इसको कलर करेंगे राइट स्टूडेंट तो अपने बुक्स में अच्छे से कलर करिए ओके सो आप कलरिंग भी हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा स्मॉलेस्ट का सो so, आफ्टर दिस सी जॉइन द सिमिलर शेप्स अब देखिए ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं है ना अब जैसे ये शेप है ये पूरा पिक्चर बहुत सारे शेप से बना हुआ है स्टूडेंट ध्यान से देखिए देखिए बीच में सर्कल है ट्राइंगल है सर्कल है रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल ये भी रेक्टेंगल है ना बहुत सारे शेप्स तो बहुत सारे शेप से मिलके एक फिगर बन गया नियो ये सिलेंड्रिकल है ट्राइंगल है रेक्टेंगल है है ना दिस रेक्टेंगल 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 है ना तो शेप्स को मिला मिला के ही पिक्चर्स बना दिए हैं ओके तो अब हमको यहां पे क्या करना है जॉइन द सिमिलर शेप्स तो जो भी शेप्स आपको सिमिलर सेम दिख रहे हैं एक जैसे दिख रहे हैं उनको जॉइन करना है तो देखिए वन इज डन फॉर यू एक आपके लिए करा हुआ है देखिए बिल्कुल सेम है ऊपर ट्राइंगल है यहाँ भी ट्राइंगल है बॉडी रेक्टेंगल से बनी हुई है यहां भी बनी हुई है हैंड्स रेक्टेंगल से बने हुए हैं यहां भी बने हुए हैं लेग्स देखिए सेम है सेम है यस सो yes. so, इनको ज्वाइन कर दिया अब हम ये वाला पिक्चर देखते हैं ट्राइंगल से बॉडी बनी है कौन सी ट्राइंगल और बॉडी बनी है ये ईयर्स सर्कल से बने हैं हैंड्स रेक्टेंगल से बने हैं सो दिस एंड दिस पिक्चर सेम ओके okay? अब हम ये पिक्चर देखते हैं बॉडी सर्कल से बनी है और कहा बॉडी सर्कल से बनी है यस दिस वन ट्राइंगल कैप है वेरी गुड ईयर सर्कल है यस सो दिस पिक्चर्स आर सेम नाउ लुक दिस पिक्चर बॉडी कैसे बनी है सिलेंड्रिकल है ना सिलेंडर का जो शेप होता है ये बनी है यस कैप ट्राइंगल लेग्स रेक्टेंगल हैंड्स रेक्टेंगल तो इनको भी हम हाँ, जॉइन कर देंगे सो so, हो गया आपको क्या करना है ध्यान से पिक्चर्स को देखना है शेप्स को रिकॉग्नाइज करना है और जॉइन करना है अंडरस्टूड सो so, इसको भी आप अपनी बुक्स में अच्छे से करिए नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द नेक्स्ट पेज ओके सो दिस इज आल्सो वेरी फन ऐसे बहुत एंजॉय करेंगे स्टूडेंट ये करते हुए आप यहां पे आपको एक सीनरी दी हुई है स्टूडेंट पीछे घर बने हुए हैं है ना आपको क्या करना है कुछ ये जो आपको सीनरी दिख रही है ये शेप से बनी हुई है देखो दिस इज द ट्री और ट्री की कौन से शेप की है ट्राइंगल और इसका स्टेम रेक्टेंगल शेप का बना हुआ है, है ना उसके बाद देखिए ये घर है इसकी जो रूफ छत बनी है वो रेक्टेंगल शेप की है जो विंडोज हैं वो सर्कल शेप की बनी हुई है ओके okay, स्टूडेंट ये देखिए फ्लावर्स जो है वो सर्कल शेप के हैं जो लीव्स हैं वो ट्राइंगल शेप की हैं तो आपको क्या करना है इस पूरे पिक्चर में जहां भी आपको ट्राइंगल दिख रहा है लाइक दिस इज द ट्राइंगल आपको यहां पर ग्रीन कलर करना है ओके okay, स्टूडेंट आप यहां पे कौन सा कलर करेंगे ट्राइंगल्स में ग्रीन कलर और जहां भी आपको सर्कल दिखेगा लाइक ये सर्कल है ये सर्कल है ये सब सर्कल है यहां पे आप रेड कलर करेंगे अंडरस्टूड एंड जहां भी आपको रेक्टेंगल दिखेगा रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और टू साइड्स लॉन्ग टू साइड्स शॉर्ट तो यहाँ पे आप ब्लू कलर करेंगे सो स्टूडेंट दिस इज होमवर्क फॉर यू आपको क्या करना है आपको ट्राइंगल में ग्रीन कलर करना है रिमेम्बर आपको सर्कल में रेड कलर करना है और आपको रेक्टेंगल में ब्लू कलर करना है ओके okay, स्टूडेंट तो आप अपनी बुक्स में ये करिए कलरिंग करिए और इंजॉय करिए पहले शेप्स को रिकॉग्नाइज करिए और फिर कलर करिए ओके स्टूडेंट तो इसको अच्छे से अपनी बुक्स में कंप्लीट कर लीजिए आई नो आप बहुत एंजॉय करेंगे so student, do this in your books. ऐसे ही सेम टॉपिक आपको एक और दिया हुआ है उसमें भी आपको सेम यही करना है आप शेप्स देखिए और कलर्स करिए नाउ सी लास्ट टॉपिक यहां क्या दिया है स्टूडेंट मेक सिमिलर फिगर्स अब देखिए ये बटरफ्लाई बनी हुई है स्टूडेंट बट इसमें फिगर्स बने हुए हैं जैसे बटरफ्लाई की बॉडी ओवल शेप की बनी है इसकी जो विंग्स हैं वो ट्राइंगल शेप के बने हैं है ना दिस इज़ द फिश फिश की बॉडी सर्कल शेप की बनी है बबल्स सर्कल शेप के बनी हैं फिश की टेल ट्राइंगल शेप की बनी है तो आपको क्या करना है मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप केट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक तो आपकी बुक के पीछे स्टूडेंट कुछ क्राफ्ट के आइटम्स दिए हुए हैं है ना उनको कट करिए इन्हीं शेप में और ये पिक्चर पूरा कंप्लीट करिए ओके स्टूडेंट तो आप अपने बुक के पीछे के जो आपके पेपर्स हैं क्राफ्ट मटेरियल है वो यूज करिए और ये फिगर्स अपने कंप्लीट करिए आप आराम से बैठ के इसको कर सकते स्टूडेंट आप बहुत इंजॉय करेंगे और आप सीखेंगे भी कुछ ओके स्टूडेंट सो हियर स्टूडेंट यस स्टूडेंट्स सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस चैप्टर में आपको याद होगा हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिमेंबर और हमने शेप्स पढ़े थे तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था दट इज इन साइट एंड आउटसाइड रिमेंबर इन साइट आउटसाइड माने अंदर और बाहर ठीक है सो एन ऑब्जेक्ट वेदर बिग और स्मॉल कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज भले ही वो बिग हो या स्मॉल हो टेल्स अबाउट साइज ठीक है अगर कोई चीज बड़ी है तो हम बोलेंगे दिस इज बिग इन साइज अगर कोई चीज छोटी है स्मॉल है तो हम क्या बोलेंगे इट इज स्मॉल इन साइज ओके स्टूडेंट्स आप देखो ये कौन है ये आपकी फ्रेंड है और इसका नाम क्या है किटी राइट right? सो हाई माई नेम इज किटी तो ये क्या बोल रही है हेलो स्टूडेंट्स हाई स्टूडेंट्स माई नेम इज किटी आई एम योर फ्रेंड ये कौन है ये आपकी दोस्त है आई विल हेल्प यू इन ऑल द टॉपिक्स तो किटी आपको हेल्प करेगी सारे टॉपिक पढ़ने में लेट रीड अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट किटी क्या बोल रही है आपको चलो कुछ बेसिक बेसिक वेरी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ठीक है तो चलो किटी वी आर विथ यू एंड वी आर फ्रेंड्स तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं यस सो स्टूडेंट्स लुक हियर यहां पे आपको दो बॉक्सेस दिख रहे हैं वन बॉक्स एंड टू बॉक्स राइट टू बॉक्स के बाहर आउटसाइड आपको एक टेडी बैठा हुआ दिख रहा है और वन बॉक्स में ये टेडी आपको इनसाइड दिख रहा है तो दोनों की पोजिशन देखिए आपने इन इन दिस बॉक्स इन वन नंबर बॉक्स इन साइड द बॉक्स एंड सी नंबर टू बॉक्स टेडी इज आउटसाइड द बॉक्स टेडी बॉक्स के आउटसाइड है ठीक है सो इन द फर्स्ट पिक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट पिक्चर में क्या है टेडी इज इन द बॉक्स टेडी कहां है बॉक्स के अंदर सो द पोजिशन ऑफ द टेडी इज इन साइड द बॉक्स अंडरस्टंड इन साइड है ठीक है बट इन द सेकेंड पिक्चर सेकेंड पिक्चर में क्या है स्टूडेंट्स द टेडी इज सेटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स टेडी कहां बैठा है बॉक्स के फ्रंट में बॉक्स के बाहर सो द पोजिशन ऑफ टेडी इज आउटसाइड द बॉक्स लेटस सी सम मोर एग्जाम्पल टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ इन साइड एंड आउटसाइड तो आपको बहुत कुछ तो समझ में आ गया कि इन साइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है ना स्टूडेंट्स अगर टेडी बॉक्स के इन है तो मतलब वो इन है लाइक यू कैन सी दिस पेन ठीक है ये मैम ने अपनी एक मुठ्ठी बनाई आपकी राइट अब देखो फीस ठीक है नाउ द पेन इज गोइंग इन द बु इन साइड है ना पेन कहा गया मैडम की फीस के अंदर अब कहा गया आउटसाइड फीस्ट ओके सो इन आउट चलो और एग्जांपल्स देखते हैं तो कॉन्सेप्ट तो हमें पता है और हमें क्लियर हो जाएगा राइट right, स्टूडेंट्स चलो सो लुक हियर इनसाइड एंड आउटसाइड दिस इज अ डॉग ये डॉग है और ये उसका हाउस है ठीक है अब देखो दोनों पिक्चर में देखो यहां पे देखो डॉग की पोजीशन इधर देखो और इधर देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द डॉग इन द फर्स्ट पिक्चर द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड द हाउस डॉग अपने घर के बाहर बैठा हुआ है कहां है बाहर है क्या ध्यान से देखो नो स्टूडेंट्स डॉग इज सिटिंग इनसाइड द हाउस बैठा है ना वो अपने घर के अंदर बस वो अपना फेस बाहर निकाला है बाकी वो पूरा अंदर है ठीक है अब यहां देखो अब आपको समझ में आएगा द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड द हाउस ठीक है कैनल हाउट डॉग के हाउस को क्या बोलते हैं हम कैनल ठीक है तो यहां पे डॉग अपने कैनल के अंदर बैठा हुआ है अपने घर के अंदर और यहां पे डॉग अपने घर के बाहर बैठा हुआ है नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इन साइड एंड आउटसाइड ये देख के आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना क्योंकि यहां पे सिर्फ डॉग का फेस बाहर है द होल बॉडी इज इनसाइड द कैनल ओके अंडरस्टूड सो पिक्चर देख के आपको बहुत ईजी समझ में आएगा कि इन साइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पिक्चर्स yes. जिसे देख के आप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको इन साइड एंड वॉट इज एक्चुअली आउट साइड सो दिस इज दी जार है ये भी जार है ठीक है अब यहां पर आप स्ट्रॉबेरीज की पोजिशन देखो क्या दिख रहा है आपको द स्ट्रॉबेरीज आर इन दार इन साइड है ना सारी स्ट्रॉबेरीज जार के अंदर रखी हुई है अब यहां देखो द स्ट्रॉबेरीज आर आउट साइड द जार स्ट्रॉबेरीज जार के बाहर रखी हुई है तो समझ में आया आपको डिफरेंस स्ट्रॉबेरीज आर इन द जार यहां पर स्ट्रॉबेरीज इन है और यहां पर स्ट्रॉबेरीज आउट है ओके स्टूडेंट्स द स्ट्रॉबेरीज आर इन द जार एंड द स्ट्रॉबेरीज आर आउटसाइड द जार ओके अब यहां देखो द सेम पिक्चर विद द डॉग डॉग और उसका हाउस यहां पर डॉग अपने घर के अंदर है इन साइड द कैनल एंड हियर द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड द कैनल अंदर बाहर ठीक है लुक हियर नाउ किटी 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 है है बॉक्स बॉक्स के के अंदर और यहां पे kitty है, box के बाहर ठीक है द किटी इज इन साइड द बॉक्स एंड द किटी इज आउटसाइड द बॉक्स सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स इन साइड एंड आउटसाइड ओके चलो आगे देखते हैं Yes. तो यहां पे आपको कुछ एक्सरसाइज करने को दी गई है व्हाट इज द क्वेश्चन है ठीक है नाउ लुक दिस दिस इज अ बर्ड और ये क्या है उसकी केज उसका पिंजरा अब ध्यान से देखो क्या बर्ड केज के आउटसाइड है क्या वो अपने पिंजरे के बाहर है बिल्कुल बाहर है तो हम इसको यहाँ पे टिक कर देंगे ओके okay? अब यहाँ देखो क्या यहाँ पे ये पैरेट तोता केज के इनसाइड है कि आउटसाइड है इनसाइड है तो हम इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें किसको टिक करना है द थिंग विच इज आउटसाइड ना लुखिया दिस इज अ क्लाउन एक टॉय है जिसमें क्लाउन इनसाइड द बॉक्स है कि आउटसाइड द बॉक्स है ध्यान से देखना स्टूडेंट्स ध्यान से देखो वो अगर आउटसाइड होता तो वो बॉक्स के बाहर होता बट वो बॉक्स के अंदर है है ना सो द टॉय इज द क्लाउन इज इन साइड द बॉक्स ठीक है अब यहां देखो यहां पे जो फ्लावर है ये जो फ्लावर है ये सारे फ्लावर पॉट के अंदर है अफकोर्स है फ्लावर पॉट के बाहर होते तो यहां होते ठीक है ये सारे flowers, पूरा प्लांट फ्लावर पॉट के अंदर है ठीक है तो यहां पे क्या है हमें क्या करना था किस पे टिक लगाना था थिंग विच इज आउटसाइड तो इन सारे पिक्चर्स में से सिर्फ ये बर्ड है जो केज के आउटसाइड है बाकी सब कहा है इन साइड ओके स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं लुखिया अब यहां पे हमको ऑपोजिट जस्ट उल्टा करना है टिक द थिंग विच इज इन हमें उस पर टिक लगाना है जो इनसाइड है जो अंदर है लुखिया ये छोटा सा एक फिश एक्वेरियम है फिश बोल अब बताओ फिश कहां है इन द बोल और आउटसाइड द बोल फिश इज इन द बोल और हमें इन पे ही टिक लगाना है तो यहां पे हम टिक लगा देंगे ठीक है न लोकिया दिस इज दी वो ये क्या है एक एयरक्राफ्ट और रॉकेट है एंड द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रॉकेट और इन द रॉकेट आउटसाइड द रॉकेट और हमें आउटसाइड पे टिक नहीं लगाना लोकिया नाउ इन दिस पिक्चर द बॉय इज इन द रॉकेट यस द बॉय इज इन द रॉकेट और हमें इन साइड पे ही टिक लगाना है नाउ लुख किया दिस गर्ल ये गर्ल कहां है बाहर है और बॉक्स कहां है अंदर है तो हमें किस पे टिक लगाना है इन साइड पे तो क्या इन साइड है? है क्या अब ध्यान से देखो गर्ल ने किया क्या गर्ल कहां है बाहर है है ना तो हम इसको टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें किस पे टिक लगाना है द थिंग विच इज इनसाइड ओके तो इस पूरी पिक्चर में सिर्फ यहां पे फिश है जो बोल के इनसाइड है बाकी सारी चीजें आउटसाइड है ओके okay स्टूडेंट्स अब आप ये दोनों पिक्चर को अगर देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रॉकेट एंड हियर द बॉय इज स्टैंडिंग इनसाइड द रॉकेट ओके okay, स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. तो ये हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कौन सा स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड अंदर बाहर ओके okay? अब हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिगर स्मॉलर बड़ा उससे छोटा ठीक है बिगर बिग बिगर बिगेस्ट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट ठीक है बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा छोटा उससे छोटा सबसे छोटा ठीक है तो बिगर और स्मॉलर पढ़ेंगे हम ठीक है राइट सो सी दिस ट्री एंड सी दिस स्मॉल प्लांट ओके सो द ट्री इज वेरी बिग एज कंपेयर टू द प्लांट अगर आप ट्री और प्लांट को देखोगे तो आप इजली समझ जाओगे ट्री इज बिग बड़ी है एंड द प्लांट इज स्मॉल सो बिग एंड स्मॉल ओके okay. चलो आगे बढ़े यस स्टूडेंट सो व्हाट इज द व्हाट यू हैव टू डू हियर कलर द बिग बॉल यहाँ पे आपके पास टू बॉल्स हैं दिस बॉल एंड दिस बॉल ठीक है तो आपको उस बॉल पे कलर करना है जो बिग है जो बड़ी है तो कौन सी बॉल बड़ी है स्टूडेंट्स ऑफ़ कोर्स दिस बॉल इज बिग क्योंकि साइज तो हम देख के पता लगा सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स सो दिस बॉल इज बिग तो आपको इसमें कलर कर देना एनी कलर यू कैन डू आपकी चॉइस का जो भी कलर है स्टूडेंट्स वो कलर आप यहां पे कर सकते हो ठीक है लाइक दिस यू कैन डू एनी कलर ऑफ योर चॉइस राइट ओके स्टूडेंट्स एनी कलर आप कोई भी कलर यहां पे कर सकते हो लाइक दिस ठीक है ओके स्टूडेंट्स सो यू हैव टू कलर द बिग बॉल जो बॉल बिग है आपको उसमें कलर करना है राइट एंड सी दिस इज द बिग बॉल एंड दैट इज स्मॉल बॉल सो ये क्या है ये बॉल का साइज है वी आर लर्निंग अबाउट द साइज ऑफ द बॉल बिग बॉल स्मॉल बॉल सो दिस इज बिग बॉल एंड दिस इज अ स्मॉल बॉल ओके स्टूडेंट यस सो दिस इज अ बिग बॉल एंड दिस इज अ स्मॉल बॉल और हमें किसको कलर करना है हमको बिग बॉल को कलर करना है तो आप इस बॉल को आपके जो फेवरेट कलर्स हैं उनसे आप कलर कर दोगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस ना हीओ वॉट यू हैव टू डू लुक एट द पिक्चर्स बिलो यहां पे हमें पिक्चर्स देखनी है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम अ स्मॉल पिक्चर टू द बिग पिक्चर टू मैच द पिक्चर्स दैट आर द सेम अब देखो यहां पे बटरफ्लाई है यहां पे भी बटरफ्लाई है यहां पे फिश है यहां पे भी फिश है यहां पे क्या है माउस, यहां पे भी माउस है यहां 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 पे 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 क्या माउस माउस भी भी हमारी किटी है और यहां पे भी किटी है लेकिन स्टूडेंट्स क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है यू सी दिस बटरफ्लाई इस बटरफ्लाई को देखो और इस बटरफ्लाई को देखो क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर में आ रहा है बिल्कुल नजर में आ रहा है सी दिस बटरफ्लाई इज बिग इसका साइज बड़ा है और ये वाली बटरफ्लाई का साइज है. है स्मॉल है और ये वाली फिश का साइज स्मॉल है ये वाला माउस का साइज बिग है और ये वाले माउस का साइज स्मॉल है सेम विथ किटी दिस किटी इज बिग एंड दिस किटी इज स्मॉल स्टूडेंट्स okay, तो यहां पे हमको क्या करना है यहां से हमको जो स्मॉलर पिक्चर है उससे बिगर पिक्चर तक लाइन ड्रॉ करनी है बटरफ्लाई एंड दिस इज द बटरफ्लाई अब हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो हमको स्मॉल पिक्चर से बिग पिक्चर पे ड्रॉ करनी है दिस इज स्मॉल बटरफ्लाई दिस इज बिग बटरफ्लाई तो यहां से लाइन ड्रॉ करो और बिग बटरफ्लाई तक ले आओ ओके यही हमसे पूछा है हमको स्मॉलर पिक्चर से बिगर पिक्चर तक लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है सेम पिक्चर्स की पिक्चर्स अलग अलग नहीं होने चाहिए ठीक है चलो अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं फिश सो दिस इज द स्मॉल फिश दिस इज द बिग फिश हमें स्मॉल से बिग फिश तक लाइन ड्रॉ करनी है डन ओके उसके बाद हम ले लेते हैं माउस ठीक है तो ये स्मॉल माउस से बिग माउस पे आ जाओ ये हो गया अब बची हमारी किटी तो आप किटी को भी कर दो स्मॉल किटी टू बिग किटी लाइक दिस सो डन हमें यही करना है स्टूडेंट्स हमको स्मॉलर पिक्चर से बिगर पिक्चर तक लाइन ड्रॉ करनी है सेम पिक्चर्स की ओके सो डू दिस इन योर वर्कशीट चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां आपको क्या करना है टिक द स्मॉलर फिगर एंड क्रॉस द बिगर वन वेरी सिंपल यहां पे आपको टू पिक्चर्स दिए हैं और आपको क्या करना है जो स्मॉलर फिगर है जो छोटा पिक्चर है उस पे टिक कर दो जो बड़ा पिक्चर है जो बिगर पिक्चर है उस पे आपको क्रॉस करना है स्टूडेंट देखो स्मॉलर और बिगर ये कंपैरिजन हो रही है हम दोनों चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये वाला पिक्चर उस वाले पिक्चर से बिगर है ठीक है या हम ये कह सकते हैं दिस पिक्चर इज स्मॉलर देन दिस पिक्चर हमने बिग और स्मॉल नहीं बोला है ना हमने ये नहीं बोला कि ये बिग है ये स्मॉल है हमने क्या बोला बिगर और स्मॉलर माने कौन सा किससे बड़ा है और कौन सा पिक्चर किससे छोटा है ठीक है तो हमको टिक किस पे करना है स्मॉलर फिगर में सो बोथ द पिक्चर्स आर ऑफ डॉग दोनों डॉग के पिक्चर है कौन सा स्मॉलर फिगर है स्मॉलर फिगर तो यहाँ पे टिक कर दो और यहाँ पे क्रॉस कर दो क्योंकि हमें स्मॉलर पे टिक करना है और बिगर पे क्रॉस करना है Very simple. चलो वर्कशीट करने में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो है ना बस आपको रिवाइज करना है और करते जाना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नाउ कलर द स्क्वायर व्हाट इज स्क्वायर स्टूडेंट स्क्वायर पता है ना आपको स्क्वायर इज अ शेप है ना और स्क्वायर के ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल है ना स्क्वायर में फोर साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं इन्हें हम बोलते हैं साइड्स ठीक है और स्क्वायर के फोर साइड्स होते हैं और ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल माने चारों साइड्स बराबर के होते हैं ठीक है तो हमें कौन से स्क्वायर पे कलर करना है द स्मॉलेस्ट वन तो स्मॉलेस्ट मींस सबसे छोटा अब देखो यहां पे थ्री स्क्वायर दिए हैं इनमें सबसे छोटा जो है आपको उसमें कलर करना है तो इजली समझ में आ रहा है दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर तो यहां पे कलर कर दीजिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस कलर द स्मॉलेस्ट स्टार अब देखो ये स्टार है स्टूडेंट्स अब आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टार है जो सबसे छोटा स्टार है आपको उस पर कलर करना है ब्लैक कलर मस्टर्ड कलर और वी कैन से ब्राउन कलर और रेड कलर तो सबसे छोटा स्टार कौन सा है रेड कलर का स्टार आपको उसमें कलर करना है तो so, आप इस वाले स्टार में कलर कर दीजिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां पे देखो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया अभी हमने स्टूडेंट्स इनसाइड और आउटसाइड पढ़ा और हमने बिगर और स्मॉलर पढ़ा ठीक है नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट टॉप बॉटम ऊपर नीचे बहुत सिंपल है टॉप एंड बॉटम ठीक है टॉप ऑफ द ट्री ये ट्री है ये ट्री का पूरा साइज है स्टूडेंट दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम ठीक है तो दिस मंकी इज एट द टॉप ऑफ द ट्री ये मंकी टॉप पे है ऊपर है एंड दिस मंकी इज एट द बॉटम ऑफ द ट्री वो ट्री के नीचे पार्ट में है ठीक है टॉप बॉटम ऊपर नीचे टॉप बॉटम ऊपर नीचे अंडरस्टंड ठीक है टॉप बॉटम बहुत सिंपल है ठीक है स्टूडेंट्स चलो आगे कुछ पिक्चर्स देखेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सो बॉटम इज द ऑपोजिट ऑफ टॉप ऑपोजिट मतलब स्टूडेंट्स उल्टा ऑपोजिट का मतलब क्या होता है उल्टा ऑपोजिट का मतलब क्या होता है उल्टा है ना वाइस वर्सा तो बॉटम किसका ऑपोजिट है टॉप का ऊपर, नीचे है ना टॉप बॉटम तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है राइट right, स्टूडेंट उल्टा है है ना ठीक है देखो दिस बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्लाइड है ना वो कहा है स्लाइड के एकदम टॉप पे और यहां देखो द बॉय इज एट बॉटम ऑफ द स्लाइड बॉय कहां है एकदम बॉटम ऑफ द स्लाइड अंडरस्टंड समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं यस yes. अब ये एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया आपको टॉप बॉटम भी समझ में आया बहुत इजी है स्टूडेंट नाउ नियर एंड फर्दर नियर फार नियर फार पास में दूर ठीक है नियर

Further माने दूर ठीक है अब देखो लोकिया इन अबव इमेज नियर द बॉल आपको यहाँ पे two duck दिख रही है, और बीच में यहां पे आपको एक बॉल दिख रही है ठीक है अब देखो ये वाली जो डक है ये बॉल के नियर है बॉल के पास में है एंड दिस डक इज फार फ्रॉम द बॉल माने वो डक बॉल के दूर है अंडरस्टूड द डिफरेंस नियर माने पास में फार मैं दूर अंडरस्टूड नियर फार ओके स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं यस लुक हियर इन द अब पिक्चर गर्ल इज नियर द ट्री एंड द बॉय इज फार फ्रॉम द ट्री अब देखो यहां पे आपको टू पिक्चर्स दिख रही हैं एक ये ट्री है एक वो ट्री है ठीक है अब इस ट्री में द गर्ल इज वेरी नियर टू द ट्री गर्ल कहां है ट्री के बहुत पास में है ठीक है और यहां पे देखो द बॉय इज फार फ्रॉम द ट्री माने बॉय ट्री के बहुत फार है बहुत दूर है ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नियर एंड फार ओके नियर माने पास में और फार माने दूर अंडरस्टूड चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां आपको क्या करना है कलर द एनिमल ब्लू विच इज नियर नियरेस्ट टू द ट्री एंड रेड विच इज फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री ठीक है अब यहां पे देखो ये ट्री है यहाँ पे आपका एक लायन का पिक्चर है यहां पे एक हनी भी का पिक्चर है और यहाँ पे एक वुल्फ का पिक्चर है ठीक है और ये आपकी ट्री है आपको क्या करना है स्टूडेंट कलर करना है लेकिन कैसे कलर करना है कलर द एनिमल ब्लू च इज नियरेस्ट अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा नियर सबसे ज्यादा पास ट्री के कौन सा एनिमल है लायन है तो आपको लायन को ब्लू कलर करना है राइट right? तो यहां पर ब्लू कलर कहा है ये तो आप लायन में कर दोगे स्टूडेंट्स ब्लू कलर राइट स्टूडेंट्स यू कैन डू हियर यस आप पूरे लायन में कर दोगे ब्लू कलर बिकॉज लायन इज नियरेस्ट ठीक है नियरेस्ट टू द ट्री जो एनिमल सबसे नियर है ट्री के वो कौन है लायन और उसमें हमको करना है ब्लू कलर लायन में ठीक है नाउ रेड इज द फ्रॉम ट्री और जो एनिमल सबसे दूर है सबसे फार है हमें उसको रेड करना है ठीक है तो वुल्फ है सबसे दूर तो हम वुल्फ में कर देंगे रेड कलर अंडरस्ट Understood student, तो यहां पे क्या हुआ यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और यहाँ पे आपको कलर का डिफरेंस भी समझ में आ गया कि जो एनिमल एकदम नियर है ट्री के वहां आपको ब्लू कलर करना है और जो एनिमल एकदम फर्देस्ट है एकदम फार है वहां पे आपको रेड कलर करना है ओके आया समझ में तो जो एनिमल एकदम नियर है वहां आप ब्लू कलर करोगे और जो एनिमल फार है दूर है उसमें आप रेड कलर करोगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां पे भी सेम चीज है स्टूडेंट कलर द एनिमल ब्लू विच इज नियरेस्ट जो एनिमल सबसे पास है वहां ब्लू कलर करोगे एंड रेड विच इज द फर्देस्ट और जो सबसे दूर है तो देखो नियर क्या है आपका लायन और फर्देस्ट कौन है आपका एलिफेंट ठीक है तो लायन में आप करेंगे स्टूडेंट्स ब्लू कलर ठीक like है आप पूरे में कलर कर लीजिए और एलिफेंट में आप करेंगे रेड कलर क्योंकि ये सबसे फार है ठीक है मैम अभी पूरे में नहीं कर रही है लेकिन आप आराम से पूरे एनिमल में कलर कर लीजिएगा द एनिमल विच इज नियरेस्ट जो सबसे पास है उसमें आप ब्लू कलर करेंगे जो सबसे दूर है उसमें आप रेड कलर करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट था आपका नियर और फार का ठीक है अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए स्टूडेंट्स अभी हमने इनसाइड आउटसाइड पढ़ा अभी हमने बिग स्मॉल पढ़ा हमने टॉप बॉटम पढ़ा और हमने नियर और फार पढ़ा ठीक है नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अब एंड बिलो अब मतलब क्या होता है ऊपर इस चीज के ऊपर और बिलो माने इस चीज के नीचे समझिए ये मैम का हाथ है ठीक है दिस इज माई हैंड और ये पेन का पोजिशन देखो अभी ये पेन कहा है द पेन इज दबव माई हैंड ठीक है पेन कहा है अब माई हैंड अब कहा माई हैंड ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज अबव एंड दिस इज बिलो तो ये डिफरेंस होता है अबव और बिलो का लुखिया द गर्ल इज सिटिंग ऑन लाइक अब द टेबल कहां बैठी है बच्ची अबव द टेबल एंड हियर द गर्ल इज बिलो द टेबल ठीक है यहां पे द गर्ल इज अब टेबल वो टेबल के ऊपर बैठी है एंड हियर द गर्ल इज बिलो द टेबल वो टेबल के नीचे बैठी है ठीक है चलो देखते हैं आगे यस yes. सो so, यहां पे आपको क्या एक्सरसाइज करनी है स्टूडेंट्स यहां पे आपको करना है लुखिया सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज अब द टेबल उस ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है जो टेबल के अब है ठीक है तो टेबल कहां है आपकी यहां पे ये यह है ठीक है और यहां पे टेबल के अब क्या है बुक है तो आपको इस बुक को सर्कल कर देना है ठीक है यहां तो बुक्स रखी हैं और वो तो आपका एरोप्लेन है ठीक है तो अवर आर आंसर इज दिस पिक्चर बिकॉज इन दिस पिक्चर द बुक इज अब द टेबल बुक कहा है टेबल के अब वो टेबल के ऊपर रखी है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस हियर सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द टेबल टेबल के बिलो क्या है ये टेबल है और टेबल के बिलो ये शूज रखे हैं तो हमने इनको सर्कल कर लिया क्योंकि यहां पे सिर्फ आपका टी कप है और वहां पे आपके शूज है ठीक है तो इन दिस पिक्चर द शूज आर बिलो द टेबल और इसके पहले वाली पिक्चर में बुक कहां थी अब द टेबल ओके स्टूडेंट्स सो यू नो अंडरस्टैंड अब एंड बिलो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लोखिया अब एंड बिलो उसकी और एक्सरसाइज है सर्कल द ऑब्जेक्ट दट इज अब द टेबल तो अब द टेबल क्या है हमारा लैंप ठीक है स्टूडेंट्स चलो आगे देखें यस ऑन एंड अंडर तो अब और बिलो आपको समझ में आया अब ऑन और अंडर क्या होता है ऑन अंडर ऑन द टेबल द पेन इज ऑन माई हैंड ठीक है ऑन द टेबल अंडर द टेबल ठीक है सो so लुकिया ियर द एलिफेंट एलिफेंट कहां है एलिफेंट इज ऑन द बॉल कहां है एलिफेंट बॉल के ऊपर द एलिफेंट इज ऑन द बॉल ठीक है लुक हियर इन ऑन वी कैन लुक हियर सी इन ऑन इन ऑन अंडरस्टैंड इन माने अंदर ऑन माने ऊपर तो यहां देखो द एलिफेंट इज ऑन द बॉल ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहां हमने देखा द एलिफेंट इज ऑन द पोजीशन ऑफ द एप्पल एप्पल की position क्या है बुक एप्पल की position है on the book. Book के है के ऊपर ठीक स्टूडेंट्स तो ये हम पूरा का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं द एलिफेंट इज ऑन द बॉल द बुक एंड माउस द मिनी माउस द मिनी माउस इज ऑन द बॉक्स ठीक है ये कहा है हमारी छोटी सी मिनी माउस ऑन द बॉक्स बॉक्स के ऊपर ना लुखिया द कौन है ये हमारा ये हमारा क्या है बेबी कब ठीक है तो बेबी कप कहा है हमारा ऑन द बेंच ठीक है तो ये जो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ये ऑन के पढ़े इसके ऊपर एप्पल कहां है ऑन द बुक एलिफेंट कहाँ है ऑन द बॉल मिनी माउस कहाँ है ऑन द बॉक्स और हमारा कब कहां है ऑन द बेंच ठीक है तो ये पूरा ऑन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब ये है अंडर ठीक है अंडर सो लुक हियर यहां पे क्या है द बॉय इज अंडर द टेबल बॉय कहां है अंडर द टेबल हमने बार अंडर पढ़ा था ना द सेम वे अंडर द टेबल ये क्या है नहीं ये तो नहीं है ये आपको एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है ठीक है ना हियर दिस कब हमारा जो छोटा सा टाइगर कब है वो कहां है अंडर द बेंच इसके पहले वो कहा बैठा था ऑन द बेंच और अब कहां है वो अंडर द बेंच ठीक है अब बताओ स्टूडेंट जस्ट फॉर योर दिस थिंग कि आपको कितना याद है यहां पे बताओ द बॉल्स आर अंडर द बॉक्स आएगा अंडर द बॉक्स आएगा कि इन द बॉक्स आएगा जल्दी बताओ यस स्टूडेंट्स द बॉल्स आर इन द बॉक्स है ना हमने पढ़ा था ना इन ऑन ठीक है तो द बॉल यहां पे इन है बॉय अंडर द टेबल है एंड हियर द कब अंडर द बेंच ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लोखिया अब यहां पे आपको क्या करना है ड्रॉ अ बॉल ऑन द स्टूल अब हमें आप बॉल कहां ड्रॉ करना है ऑन द स्टूल तो स्टूल के ऊपर हम ये बॉल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस यू विल ऑल्सो डू इन योर बुक आपको एक बॉल टेबल स्टूल के ऊपर ड्रॉ करना है कहा ड्रॉ करना है ऑन द स्टूल ठीक है स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं यस ड्रॉ अ बॉल अंडर द टेबल अभी हमने ऑन द स्टूल ड्रॉ किया अब हमको कहां ड्रॉ करना है अंडर द टेबल तो यहां टेबल के अंडर आप यहां पे बॉल ड्रॉ कर दो ठीक है अंडरस्टैंड ऑन दिस इज ऑन एंड दिस इज अंडर ओके चलो आगे बढ़ते हैं यस yes, अब देखो कलर द द एनिमल इज ऑन टेबल अब यहां पे टू एनिमल्स हैं एक हमारी किटी है और एक हमारा डॉग है तो आपको उस एनिमल को कलर करना है विच इज ऑन द टेबल तो ऑन द टेबल कौन सा एनिमल है हमारी किटी तो आप हमारी किटी पे कलर कर दीजिए ठीक है तो आप ऐसे किटी पे कलर कर लेंगे अंडरस्टूड क्योंकि हमें किस पे कलर करना है द एनिमल विच इज ऑन द टेबल अंडरस्टूड स्टूडेंट सो डू दिस इन योर बुक स्पेस का पार्ट था माने जो कॉन्सेप्ट्स थे वो वर्कशीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं है ना अब जो रिमेनिंग पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे वो आज हम करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो ये आपकी फ्रेंड आ गई कौन आ गई किटी तो किटी क्या बोल रही है हाई नाउ यू ऑल आर क्लियर ऑफ ऑल द दैट वी है ना? सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए इन साइड का बिग स्मॉल का टॉप बॉटम का नियर फार का है ना ऑन अंडर अब अंडर यस तो अब हम पढ़ेंगे शेप्स अराउंड यस हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं तो चलो देखते हैं कौन कौन से शेप्स हैं स्टूडेंट सो दीज आर देशिक शेप्स ये जो बेसिक शेप्स है जो आज हम यहां पढ़ेंगे आपको तो पता है सारे शेप्स लेकिन फिर भी चलिए रिवाइज करते हैं यस सो दर्स्ट वन इज ट्राइंगल क्या बोलेंगे हम इसको ट्राइंगल और ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं क्या होते हैं ट्राइंगल में थ्री साइड्स ओके ना द सेकेंड शेप इज स्क्वेर रिपीट आफ्टर मी स्क्र यस के स्क्टूडेंट फोर साइड होते हैं एंड ऑल द फोर साइड आर इक्वल ठीक है स्क्वायर के जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं मतलब बराबर होते हैं ठीक है नाउ द थर्ड शेप इज राउंड एंड राउंड सर्कल यस ये है सर्कल जो पूरा राउंड होता है ठीक है एंड द फोर्थ शेप इज रेक्टेंगल ठीक है थोड़ा बहुत स्क्वायर के जैसा होता है लेकिन क्या डिफरेंस होता है होते तो फोर साइड्स है लेकिन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है माने ऊपर नीचे इक्वल लेफ्ट राइट इक्वल ठीक है स्टूडेंट्स सो दीज आर बेसिक शेप्स ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल एंड रेक्टेंगल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब देखो यम शेप्स वी ईट एंड देप्स वी सी ये सो बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती है वो हम खाते हैं वी यूज टू ईट ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखो अब यहाँ पे आपको कुछ ईटेबल्स खाने की चीजें दिख रही है क्या दिख रहा है एप्पल दिख रहा है फिर आपको ऑरेंज की स्लाइस दिख रही है तो ये जो ऑरेंज की स्लाइस है ये कौन से शेप की है ये स्टूडेंट दिस इज राउंड एंड राउंड सर्कल ठीक है उसके बाद ये देखिए गिफ्ट बॉक्स गिफ्ट बॉक्स है आपका स्क्वेर ठीक है उसके बाद ये है आपकी फुटबॉल दिस इज सर्कल इन शेप देन दिस इज शॉपिंग बैग दिस इज रेक्टेंगल इन शेप पिज्जा स्लाइस देखो ये आपकी ट्राइंगल हो गई आपका क्रिसमस ट्री ट्राइंगल हो गया और वॉटरमेलन का हाफ पार्ट होता है सेमी सर्कल माने ये अगर सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स तो इसका जो हाफ पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं सेमी सर्कल ठीक है तो बहुत सारी हमारी खाने की चीजों में भी शेप्स होते हैं राइट right, स्टूडेंट्स तो आप जो भी कुछ खाओ पहले देखो अरे ये कौन सा शेप है फिर खाओ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. स्टूडेंट्स so यहाँ क्या करना है मैच द फॉलोइंग शेप्स विद द थिंग्स वी सी डेली यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स का शेप है उनको उनके शेप्स के साथ मैच करना है वेरी सिंपल है ना अब देखो The first shape is here, circle, round and round circle. अब यहाँ पे कौन सी जो object है वो circle shape का है? ये तो bus है, no this is not circle, this is wheel, yes, पहिया. So the shape of the wheel is circle. तो circle को wheel के साथ आप match कर दोगे, that's it, ठीक है? Now this is rectangle. अब rectangle shape का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, yes, this bus. देखो बस का शेप दिख रहा है आपको रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड आर इक्वल ठीक है तो हम रेक्टेंगल को बस के साथ कनेक्ट कर देंगे राइट right? नाउ ट्राइंगल ट्राइंगल शेप का आपको क्या दिख रहा है ये देखो द साइन द साइन ऑफ फायर है ना कि मतलब आग लगी है ऐसे बोर्ड पे साइन दिखते हैं सो द ट्राइंगल इज बोर्ड साइन और स्क्वायर दिख रहा है आपको गिफ्ट गिफ्ट बॉक्स ठीक है तो देखा आपने बहुत सारी चीजें जो आजू बाजू हमारी चीजें होती हैं उनके भी शेप्स होते हैं है ना तो आप आज के बाद आप जब भी कोई चीज देखोगे आपको क्लिक होगा कि यस मैम ने बताया था कि ये सर्कल है ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है ये ट्राइंगल है ठीक है स्टूडेंट्स तो डू दिस इन योर बुक ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यस अब यहां पे आपको क्या दिया गया है कलर द शेप इन द हॉन्टेड हाउस फॉलोइंग द कलर शेप्स बिलो ठीक है यहाँ पे कुछ शेप्स है और उनके नीचे कलर लिखा हुआ है जैसे सर्कल के नीचे लिखा है ब्लू कलर रेक्टाइंगल ऑरेंज कलर ट्राइंगल ग्रे कलर देन दिस इज दिस इज वॉट दिस इज स्क्वेयर रेड कलर डायमंड शेप ग्रीन दिस इज डायमंड शेप स्टूडेंट्स ये कौन सा शेप होता है इसे हम बोलते हैं डायमंड शेप ठीक है एंड दिस इज स्टार और स्टार का येलो शेप तो हमें क्या करना है ये देखो यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है एक ड्रॉइंग दी गई है जिसको बोला है हॉन्टेड हाउस हॉन्टेड हाउस माने भूतिया घर जहां पे भूत रहते हैं ठीक है ठीके? तो आपको क्या करना है इस हॉन्टेड हाउस में ये जो कलर दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कलर करना है कैसे चलो देखो मैम आपको बताएंगी कि जहां भी आपको हॉन्टेड हाउस में सर्कल शेप दिखेगा वहां आप ब्लू कलर करोगे ठीक है देखो कैसे यहां पे मान लीजिए स्टूडेंट्स, सर्कल शेप यहां बीच में दिख रहा है आप इसमें ब्लू कलर कर दो अंडरस्टूड समझ गए आप सर्कल शेप आपको इस हाउस में जहां भी दिखेगा वहां पे आपको ब्लू कलर करना है फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है यहाँ पे ब्लू कलर कर दो और सर्कल कहीं दिख रहा है आपको नो no. है ना अब देखो वापस यस yes. रेक्टेंगल जहां दिखेगा वहां आप ऑरेंज कलर करोगे सो वेयर इज रेक्टेंगल हियर रेक्टेंगल देखो यस yes. ये एक रेक्टेंगल है चिमनी के ऊपर इसमें आपको करना है कौन सा कलर ऑरेंज कलर ठीक है स्टूडेंट्स यस सो यहां पे आप कर देंगे ऑरेंज कलर लाइक दिस और रेक्टेंगल कहां है यस yes. ये विंडोज पे जो ऊपर है ये रेक्टेंगल है यहां ऑरेंज कलर कर दो यहां ऑरेंज कलर कर दो Understood? आपको समझ में आया है ना तो बहुत मजेदार चीज है ये तो आपको ऐसे कलर करना है ठीक है उसके बाद जहां आपको ट्राइंगल दिखेगा वहां पे आप ग्रे कलर करोगे ट्राइंगल कहा दिख रहा है आपको यस yes. दिस ये ट्राइंगल है यहां ग्रे कलर कर देना ठीक है स्टूडेंट्स उसके बाद जहां आपको स्क्वायर दिखेगा वहां आप स्क्वायर जहां आपको दिखेगा वहां पे आपको ये स्क्वायर है है ना विंडो स्क्वायर है वहां पे आप रेड कलर कर दोगे ठीक है स्टूडेंट्स? जहां आपको डायमंड शेप दिखेगा वहां आप ग्रीन कलर कर दोगे जैसे कि वेयर इज द डायमंड शेप सर्च करो सर्च करो नहीं दिख रहा ठीक है आप ढूंढना आपको मिलेगा जहां भी आपको देखो लुखिय जहां पे भी आपको स्टार दिखेगा ये स्टार है वहां पे आप ऐसे येलो कलर कर दोगे ठीक है स्टूडेंट्स वेट अ मिनट लाइक दिस ठीक है अंडरस्टुड तो समझ गए आप आपको क्या करना है आपको शेप्स का कलर देखना है और वो कलर आपको यहां हॉन्टेड हाउस में करना है हॉन्टेड हाउस में आपको वो शेप जहां जहां दिख रहा है आपको वही कलर यहां पे करना है ठीक है स्टूडेंट्स तो आप ये कर लेंगे बहुत ईजी है राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम यस yes. अब ये आ गया सॉर्ट आउट करनी है माने अलग अलग करना है ठीक है कैसे करेंगे देखो सॉर्ट आउट द शेप्स बाय ड्रॉइंग द इमेज अंडर द कैटेगरी गिवन ठीक है यहां पे आपको कुछ शेप्स दिए गए हैं जैसे क्लॉक दी गई है है ना पिज्जा स्लाइस दिया गया है फ्लैग दिया गया है ग्रीन बोर्ड दिया गया है रूलर दिया गया है और यहां पे आपको सर जो भी चीज सर्कल शेप की है वो सर्कल वाले बॉक्स में ड्रॉ करना है जो भी चीज यहां में रेक्टेंगल शेप की है वो आपको एक्सक्यूज मी रेक्टेंगल के नीचे ड्रॉ करना है जो भी चीज स्क्वायर शेप की है वो स्क्वायर में ड्रॉ करना है जो भी चीज ट्राइंगल शेप की है वो ट्राइंगल में ड्रॉ करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए सर्कल शेप का यहाँ पे एक ये सर्कल है और वॉच है है ना क्लॉक है तो आप क्या करोगे यहाँ पे ड्रॉ कर दो यहाँ पे पहले तो आपने एक सर्कल बना दिया उसके बाद आपको ड्रॉ करनी है क्लॉक ठीक है तो ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन है ना तो आप ऐसे करके क्लॉक ड्रॉ कर देंगे ठीक है उसके बाद देखो रेक्टेंगल का यहां पे क्या दिख रहा है रूलर दिख रहा है और आपका ग्रीन बोर्ड दिख रहा है तो आप यही करेंगे आप रूलर बना देंगे है ना यहां पे आप बना देंगे रूलर स्टूडेंट्स ठीक है और आप बना देंगे ग्रीन बोर्ड राइट जहां पे आपकी टीचर आपको पढ़ाती है ओके तो ऐसे आपको चीजें बनानी है राइट लुक लुखिया सर्कल की जो चीज थी वो आप सर्कल वाले उसमें बॉक्स में बना दोगे रेक्टेंगल शेप की जो चीजें थी आप वो रेक्टेंगल के बॉक्स में बना दोगे ठीक है सेम चीज आपको स्टूडेंट्स यहां भी करनी है जो भी चीजें स्क्वायर शेप की है वो आपको स्क्वायर बॉक्स में बनाना है जो भी चीजें ट्राइंगल शेप की है वो आपको ट्राइंगल बॉक्स में बनाना है तो चलो देखिए स्क्वायर शेप की क्या है लुक लुखिया स्क्वायर शेप का आपको स्क्वायर एक बॉक्स दिख रहा है और फ्लैग दिख रहा है ठीक है उसके बाद ट्राइंगल शेप का आपको सिर्फ ये एक ट्राइंगल दिख रहा है और पिज्जा स्लाइस दिख रहा है चलो ये बना लेते हैं है ना स्टूडेंट्स तो चलो स्क्वायर शेप का क्या दिख रहा था हमको फ्लैग दिख रहा था तो आप यहाँ पे एक फ्लैग बना सकते हैं ठीक है और यहाँ पे आप एक स्क्वायर बना सकते हैं आप अच्छे से ब्यूटिफुली फ्लैग बनाइएगा स्टूडेंट्स ट्राइंगल शेप का आपको यहां पे पिज्जा स्लाइस दिखेगी ओके तो आप ये पिज्जा स्लाइस बना देना और उसके बाद एक आप नॉर्मल ट्राइंगल बना देना ठीक है तो अच्छे से आप ये अपनी बुक में ड्रॉ कर लीजिए राइट समझ गए आप चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यस अब यहां आपको क्या करना है सॉर्ट आउट द शेप्स बाई ज्वाइनिंग डेम सिमिलर शेप्स अब यहां पे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं कुछ शेप्स दिए गए हैं तो शेप्स और ऑब्जेक्ट को आपको मैच करना है लाइन ड्रॉ करके ठीक है अब देखो सबसे पहले हमारे पास शेप है स्क्वायर स्क्वायर शेप का आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स तो लाइन ड्रॉ करके मैच कर दो ठीक है ट्राइंगल शेप का आपको क्या दिख रहा है पिज्जा स्लाइस मैच कर दीजिए डायमंड शेप का कुछ दिख रहा है आपको नहीं उसके बाद आपको सर्कल शेप का दिख रहा है यस ऑरेंज स्लाइस इसको यहाँ पे मैच कर दो ठीक है सर्कल के साथ उसके बाद आपको दिस uh, इस शेप का कुछ दिख रहा है नहीं ये सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स ठीक है ट्राइंगल शेप का यस yes. आपको ट्राइंगल के साथ आप क्रिसमस ट्री भी मैच कर सकते हो आपने पिज्जा स्लाइस भी मैच करा क्रिसमस ट्री भी मैच कर दिया रेक्टेंगल के साथ आप दिस इज रेक्टेंगल और दिस इज स्क्वायर दिस इज स्क्वायर तो स्क्वायर के साथ आप शॉपिंग बैग भी मैच करते हो सर्कल के साथ आप फुटबॉल भी मैच कर सकते हो ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या करना है ऑब्जेक्ट्स को शेप के साथ मैच करना है ट्राइंगल को हमने दो चीजों के साथ मैच किया पिज्जा स्लाइस के साथ भी मैच किया और क्रिसमस ट्री के साथ भी मैच किया हमने अपनी ऑरेंज स्लाइस को हमने सर्कल के साथ मैच किया और सर्कल को हमने फुटबॉल के साथ भी मैच किया स्क्वायर को हमने गिफ्ट बॉक्स के साथ मैच किया और शॉपिंग बैग के साथ मैच किया ठीक है स्टूडेंट्स तो ये मैचिंग आप कर लेना है ना क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो हमारे आजू बाजू है उनका कुछ ना कुछ शेप है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यस अब यहां एक चीज आ रही है रोलिंग एंड स्लाइडिंग याद आया आपको रोल माने रोल होना और स्लाइड माने स्लाइड करना देखो ये है स्लाइड है ना झूला इसमें से ये बच्ची स्लाइड होके आ रही है ठीक है और ये जो बॉल है ये रोल होके आ रही है तो डिफरेंस क्या होता है रोलिंग में और स्लाइडिंग में स्टूडेंट्स जो भी चीजें सर्कुलर शेप की होती है, है ना राउंड होती है वो रोल करती है ठीक है और जो भी चीजों का सरफेस फ्लैट होता है फ्लैट सरफेस है ना चिकना वो स्लाइड करती है अंडरस्टूड ठीक है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग अंडरस्टूड स्टूडेंट चलो आगे बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है यस yes. अब यहां पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा ठीक है तो जो रोल करेगा उसके नीचे आर लिखना है जो स्लाइड करेगा उसके नीचे एस लिखना है ठीक है अब देखो फुटबॉल बॉल बॉल क्या होती है सर्कुलर शेप की गोल होती है तो अगर आप बॉल को ऊपर से नीचे फेंकोगे थ्रो करोगे तो इट विल रोल वो रोल करेगी है ना तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे आर अंडरस्टूड अब ये देखो ये क्या है ये है कैरेट ठीक है अब कैरेट तो सर्कुलर नहीं होती गोल नहीं होती इसको आप ऊपर से फेंकोगे तो ये स्लाइड करेगी है ना मैम ने आपको बताया हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, जो भी चीज सर्कुलर गोल होती है वो रोल करती है और जिसका सरफेस फ्लैट होता है वो स्लाइड करती है मान लीजिए हम है अगर हमें कोई ऊपर से नीचे फेंकेगा तो हम स्लाइड करेंगे हम रोल नहीं करेंगे है ना और बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो बॉल रोल करेगी अब देखो ड्रम ये जो ड्रम है अगर आप इसको ऊपर से नीचे फेंकोगे तो ये रोल करता हुआ क्या कि स्लाइड करता हुआ बताइए अगर आप इसको फ्लैट सरफेस से नीचे फेंकोगे तो ये स्लाइड करेगा ठीक है और आपको अगर इस वाले सरफेस ये वाला सरफेस से फेंकोगे तो ये रोल करेगा है ना तो अगर हम इसको यहां से फेंकेंगे तो ये स्लाइड करेगा यहां से फेंकेंगे तो ये रोल करेगा तो ड्रम हमारा रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है ठीक है डिपेंड करता है कि आप इसको थ्रो कैसे कर रहे हो ओके स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज कोन है ना ये एक ट्राइंगल शेप का कोन है तो आप इसको ऊपर से नीचे थ्रो करोगे तो ये क्या करेगा ये स्लाइड करेगा ठीक है तो तो पे आप एस लिख दो स्टूडेंट्स तो आप समझ गए ना जो भी चीज जो सर्कुलर जो राउंड होती है वो रोल करेगी है ना और जिसका सरफेस फ्लैट होता है वो स्लाइड करेगा ठीक है तो ये आपका कोन स्लाइड करेगा चलो आगे बढ़ते हैं यस yes, अब ये क्या है बोन डॉग बोन तो डॉग बोन क्या करेगी अगर डॉग बोन को आपने ऊपर से ऐसे फेंका है ना तो अगर आपने इसको ऐसा सीधा फेंका तो ये स्लाइड करेगा ठीक है तो डॉग बोन करेगा स्लाइड नाउ दिस टोमैटो टोमैटो का शेप कैसा है स्टूडेंट सर्कुलर राउंड अगर आप टोमेटो तो नीचे फेंकोगे ऊपर से तो और फेंक कर फेंकना आपको ऐसे ऐसे थ्रो नहीं करना है किसी चीज पे फेंकना है ठीक है तो आपको देखना है मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे आ, कुछ भी प्लेट है ठीक है वहां से आप फेंकना शुरू करोगे तो टोमेटो रोल करेगा ठीक है तो टोमेटो क्या करेगा रोल करेगा क्योंकि वो राउंड एंड राउंड सर्कुलर शेप का है अब दिस बेल।, बेल क्या करेगी बेल को ऊपर से नीचे थ्रो करोगे तो वो स्लाइड करेगी है ना ये क्या है कप और मग मग को फेंकोगे आप ऊपर से नीचे मान लीजिए इस बोर्ड पे आपने ऊपर से फेंकना शुरू किया तो मग कैसा आएगा स्लाइड करता हुआ आएगा रोल तो नहीं करेगा क्योंकि इसका सरफेस फ्लैट है ठीक है फ्लैट माने ऐसे चिकना प्लेन सरफेस तो ये क्या करेगा स्लाइड करेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस अब ये लॉक है तो लॉक भी सर्कुलर राउंड नहीं होता है स्टूडेंट इसका सरफेस प्लेन है तो ये क्या करेगा स्लाइड करेगा हमेशा याद रखना जो भी चीज सर्कुलर गोल होगी वो रोल करेगी और जो भी चीज का सरफेस प्लेन होगा फ्लैट होगा वो स्लाइड करेगा ठीक है तो ये आ गया गिफ्ट बॉक्स ये भी क्या है फ्लैट सरफेस है तो ये स्लाइड करेगा फिर ये आपका क्यूब है ना प्लेइंग क्यूब ये क्या करेगा स्लाइड करेगा बकेट क्या करेगी स्लाइड करेगी क्योंकि यहां पे कुछ भी आपको सर्कुलर नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स ठीक है अब आगे देखो यस yes. तो ये आपकी क्या है क्लॉक है और क्लॉक का सरफेस क्या होता है सर्कुलर होता है लेकिन इसका ये वाला सरफेस अगर आप ऐसे देखोगे तो ये फ्लैट है अगर आप इसको ऐसा सीधा के सीधा फेंकोगे तो ये स्लाइड करेगी लेकिन अगर आप यहां से फेंकोगे तो ये रोल करेगी डिपेंड करता है आप कैसे थ्रो कर रहे हो तो आपकी क्लॉक रोल भी कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है आप आती है आपकी बुक बुक का सरफेस फ्लैट होता है तो ये स्लाइड करेगी ओके स्टूडेंट्स दिस इज आपका एंकर है ना एंकर जो बोट में लगता है तो ये क्या करेगा स्लाइड करेगा ठीक है तो आप चीजों को फेंक के देखना प्रैक्टिकली खुद आप थ्रो करके देखना स्टूडेंट्स आप ऊपर से कुछ भी किसी भी चीज से आप ऐसी चीज से थ्रो करना जो प्लेन हो है ना आप ऊपर से थ्रो करना एक आप बॉल को थ्रो करना और बैट को थ्रो करना ठीक है फिर देखना कि क्या रोल करेगा और क्या स्लाइड करेगा आपके घर में प्लेट्स होती है ना डिशेज जिसमें आप खाना खाते हो उसको फेंक के देखना कि वो रोल करती है कि वो स्लाइड करती है ठीक है और फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ठीक है स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़े चलो तो आपका रोलिंग और स्लाइडिंग चीज तो आपको समझ में आ गई अब हमको क्या करना है कुछ फन करना है शेप्स है ना मतलब शेप्स के साथ हम कुछ मजे करेंगे क्या करना है यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है जो हमको ट्रेन के जैसी दिख रही है है ना काउंट एंड कलर द शेप्स ठीक है आपको क्या करना है कलर ये जो शेप्स है इनमें इन शेप्स इन को काउंट करके लिखना है और उनको कलर भी करना है अंडरस्टूड चलो यहां देखो सर्कल तो सर्कल कितने हैं आपको वो पहले लिखना है और ठीक है तो चलो सर्कल को काउंट कर लेते हैं कितने है हमारे पास सर्कल वन टू थ्री फोर फाइव सो वी हैव फाइव सर्कल्स हियर तो यहां आप लिख दोगे फाइव ठीक है रेक्टेंगल हाउ मेनी रेक्टेंगल आर हियर देखो दिस इज रेक्टेंगल नो दिस इज रेक्टेंगल वन दिस इज टू दिस इज थ्री ठीक है दिस इज फोर सो यस लेकिन स्टूडेंट्स देखो रेक्टेंगल तो ये है लेकिन इसमें थ्री है फोर्थ साइड हमको दिख नहीं रहा है ना यहां पे भी हमको फोर्थ साइड दिख नहीं रहा ये रेक्टेंगल एक पूरा है ये रेक्टेंगल एक पूरा है तो हम लिखेंगे टू रेक्टेंगल्स ठीक है सो रेक्टेंगल्स आर टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स देखो कितने हैं हमारे पास वन एंड टू थ्री यस सो थ्री टाइप ट्राइंगल्स वी कैन सी हियर एंड स्क्वायर कितने हैं हमारे पास देखो वन टू थ्री है ना थ्री स्क्वायर वी कैन सी क्लियरली ठीक है तो हमने क्या देखा फाइव सर्कल्स देखे टू रेक्टेंगल्स देखे हमें एग्जैक्ट पूरे रेक्टेंगल दिखना चाहिए स्टूडेंट क्योंकि रेक्टेंगल में फोर साइड्स होते हैं टू टू ऑपोजिट साइड होते हैं हमें मालूम है तो हमें क्लियर रेक्टेंगल ये और ये ही दिख रहा है तो हमने क्या लिखा टू रेक्टेंगल्स थ्री ट्राइंगल्स एंड थ्री स्क्वायर अब हमें क्या करना है ये तो हमने काउंट करके लिख दिए अब यहां पे हमको कलर करना है ठीक मतलब, है मतलब रेक्टेंगल जहां जहां होगा वहां रेड कलर करना है येलो जहां ट्राइंगल होगा वहां येलो कलर करना है जहां सर्कल होगा वो ब्लैक होगा और जो स्क्वायर होगा वो ब्राउन होगा ठीक है तो मान लीजिए ट्राइंगल तो जहां जहां ट्राइंगल शेप होगा स्टूडेंट वहां पर रेड कलर कर देना ठीक है जहां जहां सर्कल होगा वहां ब्लैक कलर कर देना जहां स्क्वायर होगा वहां ब्राउन कलर कर देना ठीक है तो ये आपको जो कलर्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग इस पिक्चर में कलर करना है अंडरस्टूड समझ गए तो ये आप कर लीजिएगा बहुत इजी है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स स्क्वायर दिस इज स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल ये तो आपको पता है है ना अब कलर एंड राइट बिलो द नंबर ऑफ शेप्स ठीक है यहां पे शेप्स दिए हैं कितने दिए हैं ये आपको काउंट करके यहां पे लिखना है ओके अब देखो सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल तो सर्कल काउंट कर लो यहां पे कितने सर्कल हैं वन एंड टू टू सर्कल्स आर हियर ठीक है two. Two circles याद रखिएगा टू सर्कल्स और कहीं सर्कल दिख रहे हैं क्या नो no. हमें और कहीं सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं. तो हम सर्कल्स के आगे यहां लिख देंगे टू ठीक है अब आती है ट्राइंगल की बारी ट्राइंगल यहां पे आपको दिख रहे हैं कहीं yeah. देखो यस सो वन वन टू थ्री फोर सो हाउ मेरी ट्राइंगल्स हियर फोर ट्राइंगल्स हियर यहां फोर लिख दो ठीक है स्क्वायर कितने हैं, हैं हमारे पास स्टूडेंट्स देखो स्क्वायर काउंट करो यस yes, स्क्वायर यहां से शुरू हुआ है वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो हमारे पास स्क्वायर कितने हैं नाइन स्क्वायर स्क्वायर सबसे ज्यादा है अब रेक्टेंगल कितने हैं हमारे पास काउंट करो वन एक रेक्टेंगल और कहां है यस टू थ्री फोर फाइव तो हमारे पास रेक्टेंगल कितने हुए फाइव रेक्टेंगल है ना स्टू ओके सो नाउ स्टूडेंट्स आपने देखा हमने सारे शेप्स को काउंट करा और यहाँ पे लिख दिया तो सर्कल्स हमारे पास टू मिले ट्राइंगल हमारे पास फोर मिले स्क्वायर हमारे पास नाइन मिले और रेक्टेंगल हमारे पास फाइव मिले है ना तो यहां से हमने चीजें काउंट करी और वहां पे हमने लिख दी ठीक है तो इससे हमने क्या चीज सीखी हमने काउंटिंग भी सीखी और हमने शेप्स को भी रिकॉग्नाइज कर लिया राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करनी है क्या करना है सी द फिगर ऑन योर राइट यहां पे आपको एक फिगर दिख रहा है ठीक है एंड आंसर द क्वेश्चन फिगर को देख के आपको यहां पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं राइट right? चलो तो ये आपने फिगर देख लिया ठीक है ये जो फिगर बना है ये बहुत सारे शेप से बना है ठीक है तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ केन ट्राइंगल्स आर देयर कितने ट्राइंगल्स है फिगर में ध्यान से देखो कितने ट्राइंगल है मैम को तो सिर्फ वन ट्राइंगल दिख रहा है ठीक है तो यहां पे आप लिख देंगे वन ट्राइंगल ठीक है स्टूडेंट्स तो यू विल राइट हियर वन ठीक है ओके हमने लिख दिया वन उसके बाद देखो हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर कितने स्क्वायर हैं आपको दिख रहे हैं यहां पर ये देखो इसका फेस एक ये स्क्वायर है एक इसकी ये बॉडी है ना सो हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर टू स्क्वास आर देयर तो आप यहां लिख दोगे टू ठीक है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर रेक्टेंगल्स क्या होता है फोर साइड होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइड आर इक्वल ठीक है तो रेक्टेंगल कहां दिख रहा है देखो एक इसकी ये नेक इसकी गर्दन रेक्टेंगल है हैंड्स तो रे कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं हमको सेवन रेक्टेंगल यहाँ आप लिख दोगे सेवन हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर कितने सर्कल्स दिख रहे हैं देखो तो वन ईयर वन टू थ्री फोर टू उसकी आईस और टू उसके तो टोटल टोटल फोर सर्कल ओके तो देखा स्टूडेंट्स आपने कितना मजेदार है हमने पिक्चर को अच्छे से देखा और जो शेप्स थे वो हमने इनके यहाँ आंसर्स दे दिए Understood? तो ये जरूर करना स्टूडेंट्स तो इससे पता चलता है कि आप चीजों को कंबाइन देख के भी शेप्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो ठीक है तो देखो शेप से पूरी बॉडी बनी हुई है तो ये बॉडी आप जरूर बनाना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां पे आपको स्टूडेंट्स क्या करना है ये भी बहुत मजेदार चीज है कलर दस्कड तो ठीक है यहां पे आपको एक पिक्चर दी गई है एक हाउस की पिक्चर और ये जो हाउस है ये शेप से बना हुआ है ठीक है तो जहां भी आपको रेक्टेंगल दिखेगा वहां आप ग्रीन कलर करोगे एक्सक्यूज मी ओके जहां भी आपको स्क्वायर uh, दिखेगा वहां आप येलो कलर करोगे जहां भी आपको ट्राइंगल दिखेगा वहां ब्लू कलर करोगे जहां भी आपको सर्कल दिखेगा वहां पे आप रेड कलर करोगे ठीक है ओके okay स्टूडेंट्स तो ये आप जरूर करना देखो ये सर्कल है यहां आप रेड करोगे ये ट्राइंगल है यहां आप ब्लू कलर करोगे ये स्क्वायर है यहां आप कलर करोगे ये रेक्टेंगल है यहां आप ग्रीन कलर करोगे ठीक है सो डू इट वेरी नाइसली आप बहुत इंजॉय करोगे स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सो ये जो वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन था मतलब जो हमने वन की पूरी वर्कशीट्स करी वो आपको यहाँ मैग्नेट बिन्न की वेबसाइट पर मिल जाएगा गूगल करना गूगल पे मैग्नेट बिन्ड की वेबसाइट डालना आपको यहाँ पे पूरी क्लासेस अभी क्लास वन का हमने जो मैथ्स का पूरा पढ़ा है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा और वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ये सब आपको कहा मिलता है ये मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर यहां पर आपको किंडर से क्लास ट्वेल्व तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है ठीक है तो अब हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ न्यू चैप्टर की वर्कशीट के साथ ठीक है टेक so, केयर